नमस्कार दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है हम भारतीय राज्य व्यवस्था जगह अंतरराष्ट्रीय संबंध पर चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे हैं कहीं और लेकिन तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बात कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हमारी परिचर्चा चल रही थी बिहार पीसीएस के अकॉर्डिंग मुख्य परीक्षा के लिए और हमने आपसे कहा था कि जो प्रमुख मुद्दे हैं क्योंकि आपसे प्रश्न उसी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध में सामान्य तौर से यूपीएससी में पूछे गए हैं तो उस डेप्थ को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर के बजाय इस को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो गहराई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्लास कराई जा रही है, है, ठीक तो हम लोगों ने कुछ मुद्दे कल देखे थे जिन तालिबान की जो सरकार नहीं बनी है उसको लेकर भारत की वर्तमान रणनीति क्या है और उसमें ध्यान रखेंगे कि हमारी सैद्धांतिक पक्ष ये है कि हम तालिबान की सत्ता को अपनी मान्यता नहीं दे रहे हैं हमने शर्तें रखी हैं उन शर्तों को पूरा कर ले तालिबान हम मान्यता देने को ले तैयार हैं और जब तक ऐसा नहीं है तब तक अफगानिस्तान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां उनको सहयोग देना सहायता पहुंचाना खासतौर पर जो उनके अपनी मानवीय सहायता का मुद्दा है और अपने प्रोजेक्ट्स जो वहां हमने लगा रखे हैं उनको जारी रखना ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हमने आंशिक रूप से अपना जो राजदूत कार्यालय है उसको हमने वहां पर क्या कर रखा है वो स्टार्ट कर दिया है ठीक अब हम लोग कुछ अन्य मुद्दों पर आते हैं जैसे एक मुद्दा हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर है क्योंकि हमने आपसे बताया था कि शेख हसीना उनका भारत दौरा हुआ था और भारत दौरे में जब वो आई थी कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई थी सामान्य तौर पर देखिए जो मुद्दे हैं वो आप करंट अफेयर्स में भी देख चुके होंगे यहाँ जो हम लोग है उसको थोड़ा समग्र रूप से जैसे आपसे प्रश्न चूंकि समग्र रूप से पूछे गए हैं तो इसको हम समग्र रूप से लेंगे पर्टिकुलर दौरे को लेकर बातचीत नहीं करेंगे कि उस दौरे में आए तो सीमा वार जो मुद्दा था बाढ़ लगाने का उस पर बातचीत हुई नदी जल विवाद के ऊपर बातचीत हुई या हमने जो है रेल लिंक बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया ये सब सामान्य बातें इतना चीजें आप देख लेंगे और समझ भी लेंगे लेकिन जो पूरा ब्रॉडर पिक्चर है उसको थोड़ा चर्चा की आवश्यकता होती है तो ब्रॉडर पिक्चर क्या है उसको बेस करते हुए हम लोग क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन किस रूप में आ सकते हैं वो आपको वो दिखाते हैं जैसे भारत बांग्लादेश संबंध वर्तमान में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं ठीक ना तो आपसे प्रश्न के रूप में इसलिए पूछेगा क्योंकि तो इसके रीजन है कि अभी हमारे और बांग्लादेश के बीच में सामान्य तौर से चीजें बड़े आप संबंधों को देखें तो अलग अलग मंच पर भारत और बांग्लादेश के सहयोग आपको अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं भारत के अंदर कुछ घटनाएं जो घटी थी उनका सीधा विरोध जैसे एक बड़ा एक मुद्दा उठा था जिसमें एक बयान दिया गया था प्रवक्ता के द्वारा किसी पार्टी के और उस बयान के कारण जो इस्लामिक देश थे उन इस्लामिक देशों में उस बयान का बड़ा विरोध हुआ था और क डिप्लोमेसी हमें यूज करनी पड़ी थी अपनी और तब जाकर हम लोगों ने किसी तरीके से चीजों को मैनेज किया था थोड़ा गंभीर मुद्दा हो गया था किसी जो धार्मिक संदर्भ में मुद्दा था वो मुद्दा आप जानते हैं यहां पर उसको बताने और जिक्र करने का कोई बहुत अनिवार्यता नहीं है फिलहाल तो उस मुद्दे पर भी जब इस तरह की टिप्पणी की गई थी किसी पैगंबर साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी किसी के द्वारा उस मुद्दे पर भी बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिसने सीधे तौर पर किसी प्रकार का कोई अपनी तरफ से विरोध प्रकट नहीं किया था उन्होंने ये कहा वहां से जो उनके प्रवक्ता का जो मैसेज क्रिएट हुआ था कि ये आंतरिक मामला है भारत का और भारत तो अपने आंतरिक मामले को अपने अनुसार निपटने का प्रयास करे और इसको कहकर वो अपने आप को अलग कर लेते हैं तो इसका मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसे मुद्दे जो तनाव के वैश्विक स्तर पर उभरे भी वहां भी बांग्लादेश का भारत के प्रति एक नरम रवैया दिखाई दिया था तो सामान्य तौर से सकारात्मक और भी कारणों से सकारात्मक है लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनको हम तनाव के रूप में देखते हैं अब आपको पूछा गया है कि इसकी विवेचना करके बताइए कौन से मुद्दे हैं या इस पूरे कथन को हम जब देखते हैं तो एक समग्र रूप से क्या चीजें निकल गया थी देखिए यहां पर जो मोटी मोटी दो तीन चीजें आपको जो जाननी है बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ है नाइनटीन में उन्नीस इकहत्तर में 1971 में तो 1971 में इसकी स्वतंत्रता में भारत की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी अब और इस भूमिका को लेकर उस समय शेख मुजीबुर रहमान साहब ने भारत के प्रति कृतज्ञता भी जाहिर की थी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को मान्यता देने वाला जो सबसे पहले देश में शामिल देश था वो भारत है और उसने बांग्लादेश को मान्यता दी यहाँ तक कि पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया कि वो बांग्लादेश को एक देश के रूप में तो कहीं न कहीं, 1971 का ये जो, जो भारतीय योगदान था उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव बांग्लादेश के मन में हमेशा रहा है ठीक अब साथ ही साथ अगर हम इस राजनीतिक जो घटनाक्रम है इसको छोड़े और कुछ और आगे बढ़े तो देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से भी आप देखिए तो बांग्लादेश की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है वो भारत के साथ आपको क्लोज दिखाई देती है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो भाषा है वो बांग्ला है जो खान पान है वो पश्चिमी बंगाल से इन्फ्लुएंस्ड दिखाई देता है यहाँ तक कि उनका अपना राष्ट्रगान वो अमार सोनार बांग्ला ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर एक भारतीय संस्कृति की जो छाप है जो पहचान है जो एक साम्यता है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बीच में सीधे तौर तो पर जुड़ती हुई दिखाई देती है तो एक सांस्कृतिक साम्यता जो बांग्लादेश को भारत से नजदीकी भी प्रदान करती है बांग्लादेश के अंदर आपको जब चीजों को देखा होगा आपने तो आपने पढ़ा होगा कि आवामी लीग नाम का दल है ऐसे दरअसल शेख मुजीबुर रहमान साहब ने बनाया था और इनकी पुत्री शेख हसीना वर्तमान में क्या है इस दल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी उनकी हत्या के बाद जब सत्ता वहां के सैन्य शासन ने ली तो सैन्य प्रमुख जियाउर रहमान साहब ने सत्ता अपने हाथ में ली थी और बाद में एक पार्टी बनाई थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी और ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है इसको उन्होंने लीड किया था और वर्तमान में बेगम खालिदा जिया इस पार्टी के प्रमुख के रूप में है लीडर के रूप में है जो कि जियाउल रहमान साहब की पुत्री है खालिदा जिया ठीक तो शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया दो बड़ी शख्सियत जो इस समय बांग्लादेश में प्रमुख रूप से राजनीतिक रूप से हैं। चूंकि आवामी लीग ने जिस समय अपने मुक्ति संग्राम लड़ा था तो मुक्ति संग्राम के समय उन्होंने भारत से सहयोग लिया था तो जब भी आवामी लीग सत्ता में आती है तो एक स्वाभाविक चीज दिखाई देती है कि भारत के साथ जो उनका अपना आ, संबंध विकसित होता है बांग्लादेश का वो सकारात्मक दिखाई देता है भारत के साथ उनका जो अप्रोच है वो सकारात्मक दिखाई देता है और चूंकि जियाउर रहमान साहब सैन्य प्रमुख थे और भारत के प्रति उनका कोई खास लगाव नहीं था झुकाव नहीं था बल्कि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में आती है तो उस समय भारत के साथ संबंध थोड़े से तनावपूर्ण ज्यादा दिखाई देते हैं ये सामान्य तौर से देखा जाता है तो चूंकि अभी आवामी लीग सत्ता में है तो हम ये पाते हैं कि भारत और जो बांग्लादेश के संबंध है वो आपको सकारात्मक रूप से बेहतर होते दिखाई देते हैं अब इसके संदर्भ में जब आपसे बात की जाती है तो आपको कुछ उदाहरण पता होने चाहिए जिसके आधार पर आप ये बता सकें कि दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ सकारात्मकता दिखाई दे रही है तो देखिए भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में अगर हम बातचीत करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हमारे कई फ्रंट पर सहयोग की स्थितियां दिखाई दे रहे हैं अगर हम अपने व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो हमारा व्यापार द्विपक्षीय जो व्यापार है वो इस समय 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार हमारा दिखाई दे रहा है ठीक है तो दस बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है तो आप यहां जब भी इस तरह क्या करे लिखें तो लगभग दस बिलियन डॉलर या उससे अधिक का व्यापार हमारा इस समय दिखाई दे रहा है और जो हम हमारे तरफ से बड़े पैमाने पर यहां पर निवेश भी किया गया है विभिन्न परियोजनाओं के लिए और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां भारतीय निवेश आपको दिखाई देगा जैसे अगर हम बात करें ऊर्जा क्षेत्र में तो ऊर्जा क्षेत्र में आपको निवेश मिलेगा प्रमुख रूप से कि आप बगरहाट जिले में एक हमारा रामपाल क्षेत्र है वहां पर आप मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है देखते हैं इसके अलावा भारत जो है एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जिसमें सहयोग कर रहा है किसका बांग्लादेश का यहां हमारा जो रोल है जो भूमिका है हमारी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में वो हमारी भूमिका दिखाई देती है कि हम यहां पर चूंकि ना तो संसाधन दे रहे ना तकनीक लेकिन उनको प्रशासनिक रूप से इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं अपना योगदान जो है वो बांग्लादेश को उपलब्ध करा रहे हैं इसके अलावा हमारे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से रेल और आपका जो रोड प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है ठीक है जैसे इस समय हमारा बांग्लादेश के अंदर ढेर सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जैसे एक हम लोग बहुत बृहद प्रोजेक्ट बना रहे हैं दार्जिलिंग को हम क्या कर रहे हैं या यहाँ सिलीगुड़ी है माफ कीजिएगा सिलीगुड़ी को हम क्या कर रहे हैं सिलीगुड़ी को कोलकाता कोलकाता से ढाका ढाका से अगरतला अगरतला से ये गुवाहाटी सब कनेक्ट कर रहे हैं तो एक पूरा चेन क्रिएट कर रहे हैं रेलवे लिंक की जिससे हम क्या कर सकें व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क बढ़ा सके यानी लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़े जो सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में योगदान देता है और दूसरा ये व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ताकि व्यापार हमारे बीच में क्या हो सकेगा और बेहतर हो सकेगा तो व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ये रेल लिंक प्रोजेक्ट जिसमें एक बहुत बृहद रेल रेल लिंक प्रोजेक्ट कौन सा है सिलीगुड़ी कलकत्ता ढाका और गुवाहाटी बीच में अगरतला भी है तो वाया अगरतला गुवाहाटी ये हम लोग क्या कर रहे हैं एक रेल लिंक क्रिएट कर रहे हैं और इसके माध्यम से बांग्लादेश को हम जोड़ रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी और बंगाल के रीजन से भी जोड़ने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है इसके अलावा कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं जैसे आप यहाँ देखिएगा राधिकापुर बिरार आपको दिखाई देगा यहाँ हल्दीबाड़ी चिल चिलहटी प्रोजेक्ट दिखाई देगा इसी तरह और यहाँ सहबाजपुर महिशासन प्रोजेक्ट है कूरा से चिटगोंग तक का प्रोजेक्ट है तो ऐसे कई छोटे रेल लिंक प्रोजेक्ट जो कि सीमाई क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों और आपसी संपर्क को बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारे बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश में निवेश है वो निवेश रेल लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने जो संपर्क है व्यापारिक और सांस्कृतिक उस संपर्क को बढ़ाने की कोशिश है इसके अलावा कलकत्ता ढाका अगरतला एक रे, वो सड़क रूट भी बनाया जा रहा है सड़क मार्ग भी बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम सड़क क्या कर रहे हैं तो लिंक क्रिएट करके संपर्क को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और यह हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल से, से नॉर्थ ईस्ट रीजन जाने का जो समय है वो बचेगा अभी हमें क्या करना पड़ता है पूरा सिलीगुड़ी क्रॉस करके तब पहुंचना पड़ता है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में लेकिन इसके माध्यम से हमारे लिए वो समय क्या हो जाएगा कुछ बच जाएगा रीजन ये सारा जोन जो है वो पर्वती रीजन है टफ रीजन है और यहाँ रेल चले या आपकी जो सड़क मार्ग बना दिया जाए वहां पर स्पीड ज्यादा से आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा रख सकते हैं इससे ज्यादा नहीं रख सकते जबकि ये जो मार्ग मिलेगा ढाका वाला यहाँ हमारा जो डिस्टेंस वो तो घट ही रहा है साथ ही साथ क्या हो रहा है हमको रूट ऐसा मिल रहा है जिसमें हमारी स्पीड मेंटेनेंस क्या हो सकती है वो ज्यादा हो सकती है कम से कम दो तीन गुना हो सकती है तो हमारा ओवरऑल टाइम क्या हो जाएगा वो बचेगा तो ये लाभ के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है इसके अलावा जैसे हम लोगों ने आ, इनके साथ एक समझौता किया है चिटगाग इनका एक पोर्ट भी है ठीक ना और चिटगाग के अलावा एक पोर्ट यहां पर इनका बना हुआ है मोगला पोर्ट तो हमने एक समझौता किया कि हम मोगला और चिटगोंग पोर्ट को क्या कर सकते हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यूज कर सकेंगे और बांग्लादेश को हमने ऑफर किया कि आप क्या कर लीजिए आप हल्दिया जो कि हमारा पश्चिम बंगाल का अपना पोर्ट है और विशाखापट्टनम का जो हमारा पोर्ट है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यूज कीजिए दोनों को फायदा होगा हमें फायदा होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की कनेक्टिविटी यहां से हो जाएगी और इससे हम आसानी से क्या कर पाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा पाएंगे और हमने बांग्लादेश को ऑफर किया कि आप हल्दिया विशाखापट्टनम के रास्ते नेपाल और भूटान से व्यापार जारी रखिए इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा तो विन विन सिचुएशन है बांग्लादेश नेपाल भूटान इनके बीच आपसी व्यापार बढ़ेगा इनका आपसी व्यापार बढ़ेगा तो लाभ सभी को मिलेगा नेपाल को भी भूटान को भी और बांग्लादेश को भी हमें भी मिलेगा क्योंकि हमारे मार्ग से होगा तो कुछ ना कुछ जो टैक्स हम वहां पर ले पाएंगे उससे कुछ आमदनी हमारी बढ़ेगी और अगर हम नेपाल भूटान इन तीनों को टैक्स मुक्त कर देंगे तो हमारे प्रति विश्वास बढ़ेगा तो लाभ हमें भी अंत में मिलने ही वाला है तो कुल लेकर हम देख रहे हैं कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में पिछले पांच सात सालों में इन कार्यों को लेकर गतिविधियां क्या हुई बड़ी तीव्र हुई है तेज हुई है ये 2015 के बाद से हम इस पर बहुत तीव्रता से काम कर रहे हैं 2015 में ही हमारा ये समझौता हुआ था जिसको हम राजधानी समझौता है, बोलते हैं कि मोगला पोर्ट और चिटगोंग पोर्ट को हम यूज कर सकते हैं तो इससे ये दर्शाता है कि भारत अपनी तरफ से क्या कर रहा है वो प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और बांग्लादेश भी भारत के साथ सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है तो सामान्य तौर से देखें हमने पॉजिटिवली काम करना शुरू किया है 2015 की एक बड़ी घटना ये भी थी कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा आ, सीमा विवाद था उसे हमने खत्म कर दिया ठीक ना अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में सौवा संविधान संशोधन हुआ था और सौवा संविधान संशोधन क्या था बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा विवाद था उसे समाप्त करने के लिए किया गया था हमने अपने कुछ जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को सौंप दिया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो भारत के अंदर मौजूद थे वो भारत को सौंप दिए गए थे उसमें डिटेल में जाने का मतलब होगा कि एक लंबा सम आपको समझौता समझाने में लग जाएगा तो जो बहुत फ्रूटफुल अभी फिलहाल के लिए नहीं है फिलहाल आप इतना बस ध्यान रखिए कि सौवा संविधान संशोधन हुआ और सौवा संविधान संशोधन के माध्यम से हमारा सीमा विवाद क्या हो गया वो सुलझाने के लिए भारतीय संसद ने अपने संविधान में संशोधन करके कुछ भूमि अपनी किसे जो है दे दी अध्यार्पित कर दी बांग्लादेश को और बांग्लादेश से कुछ भूमि क्या कर ली प्राप्त कर ली ठीक तो ले लेकर क्या है कि ये सीमा विवाद समाप्त हो गया है संशोधन के बाद से और अब हमारे और उनके बीच में अभी जब आई थी शेख हसीना जी तो हम लोगों ने बाढ़ लगाने के जो कार्य है उसमें समझौता कर लिया है कि तेजी से इस कार्य को हम खत्म करें वो एक बड़ा विवाद हुआ करता था हमारे सैनिकों और उनके सैनिकों के बीच में अक्सर झड़प हो जाती थी और चूंकि सीमाएं बाढ़ लगी नहीं थी बाढ़ समझते ना फेंसिंग मतलब जो कटीले तार होते हैं उनसे सीमाओं को बंद नहीं किया गया था क्लोज करते हैं ना सीमाएं आप देखते होंगे अगर फिल्म वगैरह देखी हो बजरंगी भाईजान वगैरह तो उसमें आपने देखा होगा या गदर देखी होगी कि सीमाएं बनी हुई हैं तो उसमें फेंसिंग की जाती है बाढ़ लगा जाता है कटीले तार लगा दिए जाते हैं ताकि क्रॉस ना कर सके इधर उधर और वही सैनिक क्या करते हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं गश्त लगाते रहते हैं अब बांग्लादेश के साथ इस तरह का हमारा डिस्टर्बेंस था कि हमारी सीमाएं सेट नहीं थी तो हम बाढ़ लगाने में हम भी नहीं आगे बढ़ सकते थे और वो भी आगे नहीं बढ़ सकते थे अब चूंकि बाढ़ लगी नहीं थी तो उसी रास्ते से ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी अब ये समझौता हो गया सारी चीजें या उसी रास्ते से कुछ आतंकवादी भारत में प्रवेश करते थे अवैध प्रवासी भारत में प्रवेश करते थे इन्हें लेकर एक समझौता फाइनलाइज कर लिया गया और अब क्या हो गया है कि सीमा पर बाढ़ लग जाएगी कटिले तार लग जाएंगे और इस तरह का जो इलिगल माइग्रेशन होता था या एंट्री होती थी इंडिया के अंदर वो रोकी जा सकेगी तो इस पर भी इस बार जब आई थी शेख हसीना जी तो फाइनलाइज कर लिया गया कि इस सबको रोकने के लिए बाढ़ जितनी जल्दी हो सके वो हम लोग क्या कर ले लगा लेते हैं तो कुल मिलाकर सब डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो पिछले पांच सात सालों में आठ सालों में जो प्रगति रही है और एक दशक से मान के चलिए कि पिछली सरकार और इस सरकार दोनों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि एक दशक से हम लोग लगातार सकारात्मक तरीके से क्या कर रहे हैं संबंधों को विकसित करने में सफल दिखाई दे रहे हैं तो आपके पहले प्रश्न का जो मतलब आपके जो प्रश्न है प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उस हिस्से में कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपको जो ये पॉजिटिव चीजें हुई हैं इनको क्रमबद्ध करना पड़ेगा इनको देना पड़ेगा नहीं, लिखना पड़ेगा संक्षिप्त में आप इसके बारे में लिखेंगे कि देखिए ये ये चीजें हुई हैं और हमें लगता है कि इन कारणों से हम संबंधों को सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पॉजिटिव जो हमारे लिए जो चीजें क्रिएट हो रही हैं सकारात्मक चीजें हमारे लिए बन रही हैं ठीक फिर प्रश्न के दूसरे हिस्से में आएंगे तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न के पहले हिस्से में आपको कैसे चीजों को लिखना है ठीक है ठीक है भूमिका यहां लिखेंगे भूमिका में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है और सामान्य तौर से जब आप भूमिका लिखते हैं तो ऐसे प्रश्नों में कि भाई सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि विगत एक दशक में कम से कम आप एक दशक का उदाहरण देंगे विगत एक दशक में भारत और बांग्लादेश के मध्य भारत बांग्लादेश के मध्य ठीक क्या क्या चीज बताएंगे कि व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है वृद्धि हुई है ठीक है बांग्लादेश अवसंरचना विकास में भारतीय निवेश में वृद्धि और सीमा विवाद को हल करने में सफलता प्राप्त सीमा विवाद हल करने में हल करने में सफलता हो ठीक है और इसे देखते हुए कह सकते हैं कि संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं परंतु नदी जल विवाद क्योंकि तो आपसे दूसरा खंड पूछ रहा है कि कुछ मुद्दे अभी भी संबंधों में तनाव का कारण है तो आप क्या लिखेंगे परंतु इसी भूमिका में जब ये पूरी बात लिख लेंगे तो आप क्या लिखेंगे परंतु नदी जल विवाद अवैध प्रवसन और भारतीय आंतरिक राजनीति के मुद्दे अभी भी तनाव का कारण बने हुए ठीक तो आपने क्या लिखा आपने पहले जो सकारात्मक बात थी उसमें थोड़ा सा विवरण दे दिया कि क्या क्या है व्यापारिक गतिविधियां हैं अवसरचना विकास है सीमा विवाद है जिसको आप आगे के पैराग्राफ में क्या करने वाले हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही वो मुद्दे लिख दिए जिसको आप आगे के पैराग्राफ में क्या है लिखने वाले हैं भूमिका का मतलब ही यही है कि आपका ये अगर आप देखिए कई प्रश्नों में आप कई बार बहुत इस तरह से जो है लिखने की स्थिति में नहीं होते तब तो वहां बहुत सामान्य बात लिखिए बेसिक चीजों को समझाइए आगे बढ़ जाइए लेकिन जब कभी आपको मौका मिले तो आप जो आगे के पैराग्राफ में देने वाले हैं उन्हीं बातों को भूमिका में आप क्या कर ले, ले। ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि भूमिका भूमिका इसी तरह से आए तो वो एक प्रभावी के रूप में दिखाई देगी क्योंकि इससे आपको जो जज करने के लिए पहले ही पैराग्राफ से मौका मिल जाएगा एग्जामिनर को और वो समझ पाएगा कि आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है और इसका मतलब आपके आंसर का डायरेक्शन आगे क्या होने वाला है वो सही दिशा में जाने वाला है और नंबर आपको निश्चित रूप से एक माइंडसेट बन जाएगा कि ठीक देने ठीक ना तो अगर जितनी स्पष्टता आपके भूमिका में होगी उतना बेहतर होगा ठीक है, है अब देखिए जब आपने ये लिख लिया तो आप फिर आइएगा फर्स्ट पैराग्राफ पे और फर्स्ट पैराग्राफ पे आप क्या करेंगे आप उन बातों को लिखेंगे जो आपको महत्व दिखाने के लिए कि हमारे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं वो जरूर आपको दिखाई देती है तो आपने बताया बताया है अभी चूंकि व्यापारिक तो तो आपको जैसे था कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप व्यापार को बताएंगे कि व्यापार बेहतर हो रहा है उसका प्रमाण देंगे कि दस मिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार हमारा दिखाई दे रहा है व्यापार के अलावा आप देंगे कि अवसंरचना विकास में तो सड़क मार्गों का निर्माण और रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है रेल लिंक परियोजनाएं बनाई जा रही हैं इसमें आप अगर बहुत परियोजनाओं का नाम नहीं दे सकते हैं तो एक दो परियोजना जैसे सड़क मार्ग में आप सीधे सीधे लिख दिए कि कोलकाता अगरतला और ढाका सड़क मार्ग कोलकाता ढाका कोलकाता ढाका अगरतला ठीक है ये सड़क मार्ग बता दीजिए ठीक और रेल लिंक जहां तक बात है तो रेल लिंक के लिए आप एक अखूरा अगरतला रेल मार्ग बस एक याद रखिए कि एक हम ये बना रहे हैं, जैसे अखूरा अगरतला रेल मार्ग एक आपको वृहद वाला बताया ही वो भी दे दीजिए एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अखूरा अगरतला रेल मार्ग एवं एक रेल मार्ग वाला दे दिए सिलीगुड़ी कोलकाता ढाका गुवाहाटी सिलीगुड़ी कोलकाता ढाका गुवाहाटी तो आपकी जो बात है वो क्या हो जाएगी वो पुख्ता हो जाएगी कि आप ये बातें अंदाजे पे नहीं कह रहे हैं बल्कि आपके पास इसको लेकर एग्जाम्पल क्लियर हैं आप तो एक एग्जाम्पल -एक अपने आप में बहुत है ठीक ना तो सड़क मार्ग और रेल लिंक परियोजनाओं पर काम चल रहा है अब चुकी आप ये लिख रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर फायदा क्या होगा तो यहीं पर जब आप लिखेंगे सड़क मार्ग परियोजना जैसे कोलकाता ढाका अगरतला रेल लिंक परियोजना जैसे अकूरा अगरतला रेल मार्ग एवं सिलीगुड़ी कोलकाता ढाका गुवाहाटी रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है इससे व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और इससे क्या बढ़ेगा इससे व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क भी बढ़ेगा जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा ठीक ना तो व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क भी बढ़ेगा और व्यापारी गतिविधियां भी बढ़ेंगी जिससे संबंध मजबूत होने में एक दूसरे को सहयोग मिलेगा तीसरा इसी में आप लिख देंगे सीमा विवाद हल कर लिया गया 2015 में ठीक ना इसको आप विश्वासपूर्वक लिखेंगे कि 2015 में जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए सोमा संविधान संशोधन दें ठीक ना 2015 आप खाली लिख देंगे कि सीमा विवाद हल कर लिया गया है तो भी आपकी स्थिति मजबूत रहेगी इसके अलावा न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भारत क्या कर रहा है अपना योगदान दे रहा है जैसे रामपाल क्षेत्र में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे लिख दीजिए वहां पर आप उसको लिख देख सकते हैं तो इस तरह से आपके पास ढेर सारे चीजें हो जाएंगी जिसमें आप बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और इससे और आगे तो आपको बताया ही था कि दो पोर्ट चिटगांग और मोंगला पोर्ट से हमें व्यापार करने की अनुमति मिलेगी हल्दिया बंदरगाह से और विशाखापटनम बंदरगाह से बांग्लादेश को व्यापार करने के लिए अनुमति मिलेगी उसे भी दे सकते हैं उसको भी लिख सकते हैं कि देखिए यह समझौता 2015 में संपन्न हुआ तो उसको भी लिख सकते हैं कि 2015 में एक जहाज रानी समझौता हुआ है ठीक है ना जहाज रानी समझौता हुआ और इस जहाज रानी समझौते में हमने क्या किया है बांग्लादेश क्या करेगा देखो हम बी डी लिख रहे हैं इसका मतलब बांग्लादेश है ठीक ना? और बांग्लादेश क्या करेगा बांग्लादेश अपने मोंगला और चिटगांग पोर्ट को हमें उपलब्ध कराएगा ठीक और इसी तरह भारत क्या करेगा भारत अपने दो पोर्ट हल्दिया और हल्दिया पोर्ट और विशाखापटनम पोर्ट को उपलब्ध कराएगा ठीक है तो ये आप यहां दे दीजिए तो इतना अपने आप में बहुत है जिसपे आप एक संकेत देने के लिए आपके लिए कि हमारे और उनके बीच संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तो दिखाई दे रहा है ठीक परंतु अंतिम में जब ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे तो पॉइंट लिखने के बाद एक अंतिम लाइन लिखेंगे पैराग्राफ बनाकर और वो क्या होगी वो होगी कि परंतु भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ मुद्दों पर अभी भी तनाव दिखाई दे रहा है और फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा ताकि सेकंड सेकेंड पैराग्राफ से आप तनाव वाले मुद्दों पर चले तो सेकेंड पैराग्राफ पे आएंगे और यहां क्या करेंगे तनाव पर चर्चा करेंगे ठीक है अब आप तनाव की बात कर रहे हैं तो तनाव कौन कौन से मुद्दे तनाव के दिखाई दे रहे हैं तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि नदी जल विवाद जो है तनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है आप दे चुके हैं कि अवैध प्रवसन का मुद्दा अब इन्हीं को आपको थोड़ा सा क्या कर देना एलोबरेट कर देना है थोड़ा सा बता देना है थोड़ा समझा देना है आंतरिक राजनीति भारत की जो कि तनाव का कारण बन जाती है तो इन बातों को आप क्या कर दीजिए थोड़ा विस्तार दे दीजिए ठीक है ना तो देखिये क्या जो मुद्दा यहाँ पर निकल के आएगा नदी जल विवाद तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चौवन नदियां जो है वो हम साझा होती हैं और चौवन यहाँ जो स्थिति है कि भारत से बहकर कहा जा रही हैं बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है ठीक ना पहले मुद्दा थोड़ा सा समझ लीजिएगा लिखना क्या है अभी बता देते हैं ठीक तो चौवन नदियां हैं सामान्य तौर से जितनी नदियां हैं वो भारत से क्या कर रही हैं भारत से बहकर बांग्लादेश की ओर जा रही है तो बहाव भारत की तरफ से है और किधर की ओर है बांग्लादेश की ओर है मुख्य रूप से जो नदी जल विवाद का मुद्दा इस समय जारी है वो तिस्ता नदी जल को लेकर है ठीक ना जो भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्तमान का अपना द्वंद है वो तिस्ता नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थितियां बनी हुई है और तिस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से निकलती है और प्रवेश करती है बांग्लादेश में रंगपुर वाला क्षेत्र है उत्तरी बांग्लादेश का जहां चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है ठीक है ना रंगपुर का क्षेत्र आपने पढ़ा होगा इतिहास में भी तो रंगपुर में धान का जो हड़प्पा काल में क्या हुआ था साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो वो क्षेत्र उस समय से ही चावल की खेती के लिए क्या है आ, प्रसिद्ध है तो जाहिर सी बात है कि आज भी चूंकि उस क्षेत्र का महत्व तो चावल की खेती के लिए डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा उस चावल के क्षेत्र पर बांग्लादेश की है बांग्लादेश के लोगों को जो प्रमुख रूप से निर्यात करने के लिए भी चावल मिलता है वो उसी क्षेत्र में सिंचित होता है और उस चौदह परसेंट का क्षेत्र ही तिस्ता नदी जल से सिंचाई होती है लेकिन लगभग अनाज जो मिलता है वहां के साठ परसेंट जनसंख्या को जो चावल की उपलब्धता है वो वहां से ही होती है तो क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है चावल की खेती के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और तिस्ता नदी जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहकर जा रही है, तो भारत से बहकर कहाँ प्रवेश करती है वो प्रवेश करती है आपके बांग्लादेश में ठीक है तिस्ता ही नदी जितनी और नदियां हैं वो भी भारत से ही बहकर जा रही हैं और उसी में से एक नदी कुशियारी है जिस पर कुशियारी या कुशियारा जिस पर अभी समझौता संपन्न हो गया है और उसमें तय हो गया कि बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे तो विवाद बड़ा जो है है तो कई नदियों को लेकर बड़ा विवाद जो है वो इस समय तिस्ता नदी को लेकर है तो विवाद का रीजन एक ही है चाहे किसी नदी के बारे में बात होगी विवाद का रीजन एक है रीजन क्या है कि अगर कोई नदी बह के जा रही है अब मान लीजिए ये भाई भारत है इंडिया और यहां से बह के नदी वहां तक जा रही है बांग्लादेश में जा रही है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचे समतल और समतल से फिर आगे बढ़ जाएगी ठीक समझते अब देखो जब ऊंचाई वाले क्षेत्र से बह के जा रही है तो इसका उपयोग किया जा सकता है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तो लोग क्या करते हैं यहाँ के बांध बना बांध बनाएंगे तो पानी रोक लेंगे रोक लेंगे तो पानी की मात्रा यहाँ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी आगे बहाव क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा अब मान लो ये सिक्किम है तो सिक्किम में लोगों ने बांध बना लिया पानी रोक लिया पानी का यूज सिंचाई के लिए भी कर लिया विद्युत बनाने के लिए भी कर लिया तो ज्यादा पानी रोक दिया फिर पहुंचा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल वालों ने अपने यहां बांध बना लिया बांध बना के सिंचाई के लिए भी पानी रोका और क्या कर लिया इससे बिजली भी बना ली कुछ दूर आगे बढ़ी नदी फिर से एक और बांध बना लिया जिसका काम सिर्फ सिंचाई के लिए पानी को यूज करना है नहर निकाल दी पानी और कम हो गया फिर बांग्लादेश जब पानी पहुंचा तो चुल्लू भर पानी बचा था अब उसमें वो क्या कर लेंगे है चुल्लू भर पानी में आपको भी पता है क्या हो सकता है तो बांग्लादेश वाले परेशान है कि पानी चूंकि तो भारत से बहकर वहां जा रहा है भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है इस समय हम चीन से पूरी तरीके से कम्पिटिशन के मूड में आ चुके हैं और हमारी पूरी जो है लग रहा है कि अप्रोच इस तरह का है कि हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में पहचान बना ले तो आर्थिक महाशक्ति कब बनेंगे तो बात की बात है लेकिन बहुत जल्द ही हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके होंगे आबादी के मामले में ये लगता है ऐसा दिखाई दे रहा है तो कंपटीशन गलत जगह हो रहा है लेकिन हो रहा है तो हो रहा है क्या किया जा सकता है हम्म तो कुल मिलाकर क्या है इस आबादी को भी पानी की जरूरत है इसके लिए भी सिंचाई करके अनाज उत्पादन को सुनिश्चित करने की जरूरत है तो यहाँ पर दावा यह है कि भाई हम पानी रोकेंगे और अपने देश की जनता के लिए या अपने प्रदेश के जो जनता है उसके लिए पानी का उपयोग करेंगे और नदी जल भारत में किसका विषय है पढ़ चुके हो भैया पॉलिटी पढ़ा है तो नदी जल किसका विषय है नदी जल विषय है राज्य सूची का तो जाहिर सी बात है राज्य इसके बारे में निर्णय लेते हैं उनको कैसे इसका इस्तेमाल करना ठीक अब समस्या यह है कि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई इतना पानी यूज करो कि हमें मिलता रहे वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा वो कम हो जाती है वर्तमान में विशेष तौर से देखिए पहले क्या होता था कि लीन पीरियड आता था दो बार साल में ठीक ना लेकिन फिर भी पानी की मात्रा कुछ हद तक बनी रहती थी जाड़ों में दिक्कत ज्यादा आती थी जाड़ों में क्यों दिक्कत आती थी जाड़े में इसलिए दिक्कत आती थी कि उस समय ग्लेशियर जम जाते थे और चूंकि ग्लेशियर जम जाते थे और बड़े पैमाने जम रहे हैं तो पानी की मात्रा कम हो जाती थी अब स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई गर्मियों में बहुत ज्यादा क्यों टेम्परेचर अचानक जो है वो पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर भी बढ़ रहा है आपने इवन इस साल पढ़ा है कि इंग्लैंड के अंदर टेम्स नदी क्या हो गई वो सूख गई थी जबकि तो ऐसा कई सालों बाद ही हुआ होगा ऐसी घटना घटी है और अगर ये रिपीट कर गई अगले साल तो ये चैलेंजिंग इसका मतलब सिचुएशन आ रही है हमारे लिए तो हमारे लिए का मतलब पूरी पृथ्वी वासियों के लिए आ रही है किसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से अब असर दिखाई देना शुरू हो चुका है जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट है वो पड़ना शुरू हो चुके हैं क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का इम्पैक्ट भी ये पड़ रहा है कि पानी की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हो ही गई है अब चूंकि तुलनात्मक रूप से पानी वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग वजह से कम हो रहा है बचा कुचा पानी को भारत वाले क्या कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपने लिए तो बांग्लादेश के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि उसके सिंचाई के लिए उसके पीने के लिए पानी की मात्रा क्या है उपलब्धता घट गई और इस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच पानी बंटवारे को लेकर क्या हो चुका है तनाव बढ़ता जा रहा है अब किसी भी देश की भाई जनता अपनी सरकार पर दबाव क्या बनाएगी यही ना बनाएगी कि भाई हमारे लिए पानी की मात्रा को सुनिश्चित रखना आपकी जिम्मेदारी है हमें पीने का पानी मिले हमें खाद्यान्न सिंचाई के लिए पानी मिले इसको बनाइए नहीं तो भूखे मर जाएंगे और नहीं प्यासे मर जाएंगे तो आप जिससे भी बात करनी पड़े भारत सरकार से बात कीजिए और अगर भारत की सरकार इस मामले में सख्त रुख अपना रही हो या वो ये कह दे कि भाई देखिए हम क्या करें हमारे तो नदी जल किसका विषय है राज्य का और राज्य अगर नहीं मानेगा तो हम क्या कर लेंगे तो इस जवाब से बांग्लादेश की जनता का भला तो होने वाला नहीं है देश की सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा और फिर वो भारत के साथ तनाव जैसी स्थितियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी कि भाई हमें नदी का पानी तो हर हाल में चाहिए नहीं तो हमारे देश में क्राइसिस हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं होगी तो भारत और बांग्लादेश के बीच में समस्या नदी जल के बंटवारे को लेकर आ रही है और चूंकि भारत के अंदर दो कारणों से इसके समस्या है पहली समस्या क्या है कि नदी जल राज्य सूची का विषय है तो बिना राज्यों की सहमति प्राप्त किए संघ की सरकार बांग्लादेश से कोई अंतम समझौता नहीं कर सकती और अगर विरोध होगा राज्यों का तब तो बिल्कुल नहीं कर सकती तो खासतौर पर तिस्ता के मामले में पश्चिम बंगाल का रुख बहुत सख्त रहा है उसने साफ मना कर दिया हम तिस्ता नदी जल बंटवारा नहीं करेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि ये चैलेंजिंग है कि संघ के अपने इच्छा पर तो है नहीं कि वो किसी भी तरीके से इसे क्या कर ले अः इसको संपन्न कर ले करेगा तो राज्य की जनता नाराज हो जाएगी और चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है आखिर संघ की सरकार में जो दल है वो चुनाव लड़ेंगे ना पश्चिम बंगाल में तो क्यों नाराज करेंगे जनता को लिखना नहीं है सब तो जो लिखना अभी अभी बताएंगे सिचुएशन समझ लो बस खाली तो जाहिर सी बात है इसलिए नदी जल को लेकर चूंकि वो राज्य सूची का विषय है तो तनाव संघ और राज्य में और बिना राज्य की सहमति के पानी का बंटवारा बांग्लादेश के साथ संभव नहीं दिखाई दे रहा है एक दूसरा खुद भारत की अपनी आबादी के लिए नदी जल की उपयोगिता बढ़ी है नदी जल की आवश्यकता बढ़ी है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकारें वो ज्यादा नदी जल की मांग कर रही हैं। तो भारत के सामने चुनौती है कि नदी जल में एक तो आवश्यकता बढ़ गई दूसरा राज्य सूची का विषय इसलिए संघ सीधे कोई समझौता कर भी नहीं सकता बांग्लादेश के लिए समस्या इस बात को लेकर है कि बांग्लादेश उसके सामने उसका सिंचाई उसका पेयजल इन्हीं नदियों के जल पर टिका हुआ है और यह जल उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और देश की जनता की जवाब देता राज्य देश की सरकार के ऊपर होती है तो सरकार जनता को क्या जवाब दे और ऐसे में जनता के भलाई करने के लिए उसे भारत के साथ निगोशिएट करना पड़ रहा है और निगोशिएशन में अगर सफलता नहीं हासिल हो रही तो तनाव क्या होगा वो बढ़ेगा ठीक तो क्लियर कट मामला क्या है ये मुद्दा है जो हमारे उनके बीच में विवाद के कारण के रूप में दिखाई देता है अब यहाँ इस बात को जब लिखना है तो इतना लंबा चौड़ा तो लिखोगे नहीं तो यहाँ लिखोगे चौवन नदियां क्या करती हैं वो भारत और बांग्लादेश दोनों में जो है वो नदी जल प्राप्त होता है इन्हीं नदियों से और साझा होता है नदी जल और इन नदी जल के जो बंटवारा है इसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और मुख्य रूप से यह विवाद किस कारण से है देश के भीतर नदी जल की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण संकट उत्पन्न हुआ है उसको देखते हुए विवाद बढ़ता दिखाई है तो आप लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि भाई भारत और इनके बीच में चौवन नदियां साझा होती हैं इसके बंटवारे को लेकर विवाद है और विवाद के कारण के रूप में मुख्य रूप से क्या है नदी जल की आवश्यकता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नदी जल उपलब्धता में कमी ये विवाद के केंद्र के रूप में है या विवाद के कारण के रूप में देखा जा रहा है ठीक जिसके कारण दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर तनाव की दिखाई दे रही ठीक तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भारत देना नहीं चाहता पानी या बांग्लादेश जरूरत से ज्यादा पानी मांग रहा है और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है यहाँ इस तरह का को कोई मुद्दा नहीं है ये समस्या न मतलब कुछ मानवीय और कुछ प्राकृतिक कारणों से भी क्या हो रही है उत्पन्न होती दिखाई दे रही है ठीक है ना तो आप अपनी भाषा इस तरह रखिएगा ताकि जो आपका कम शब्दों में अपनी बात आपकी क्या हो सके वो पहुंच सके तो एक मुद्दा क्या हो गया ये हो गया जो विवाद के मुद्दे के रूप में दिखाई दे रहा है ठीक है ना दूसरा देखिए क्या दूसरा अवैध प्रवसन का मुद्दा हालांकि यह मुद्दा अब हल करने की स्थिति में आ चुका है वह उम्मीद है कि हल हो जाएगा लेकिन जो कि पहले से जो चीजें चली आ रही हैं वो तो तनाव का कारण बनी हुई है ठीक है ना हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद था कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर थे और जिस पर हमारा अपना संप्रभुता बनी हुई थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ऐसा समझ लीजिए थोड़ा सा तब देखो पूरा चित्र नहीं बना रहे हैं बस समझाने के लिए ठीक ना ठीक है ये जो ब्लैक ब्लैक हमने मार्क किया है ये वो क्षेत्र है जो कभी पश्चिम बंगाल की रियासत के हिस्से के रूप में थे पश्चिम बंगाल में जो रियासतें शामिल की गई थी उसके हिस्से के रूप में थे उनका कंट्रोलिंग वो करती थी, थी अब इस गांव पर उसकी कंट्रोलिंग है इस गांव पर कंट्रोलिंग है इस गांव पर कंट्रोलिंग है ठीक है ना लेकिन वो रियासत कहा शामिल हो गई शामिल हो गई पश्चिम बंगाल में ठीक है अब चूंकि रियासत पश्चिम बंगाल में गई तो जिन गांवों पर अधिकार था उस रियासत का वो गांव भी किसके साथ जुड़ गए भारत के साथ जुड़ गए पश्चिम बंगाल में मान लिए गए लेकिन उनकी स्थिति क्या है कि वो बांग्लादेश के भीतर क्लियर है बात रियासत है तो रियासत ऐसा तो है नहीं कि उसने क्षेत्र इस तरह से विजित किया था कि एक एक गांव ध्यान रख के किया था कि हमारा जो है जब भी बंटवारा हो तो मैनेज रहे ऐसा तो किया नहीं था जिस गांव पे कंट्रोलिंग हो गई तो हो गई चार गाँव यहाँ चार गाँव यहाँ यहाँ के कंट्रोल हो गए तो उन्होंने रियासत ने अपनी कंट्रोलिंग इसी तरीके से हासिल की हुई थी लेकिन जब विलय हुआ और विलय होकर रियासतें क्या हुई वो या तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल की गई तो जो रियासत भारत में शामिल हुई उस रियासत के कुछ गांव कहाँ रह गए बांग्लादेश में रह गए कंट्रोलिंग उसी की थी और ये मान लिया गया कि ये भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा है अब भारत का राज्य क्षेत्र है लेकिन कहाँ है बांग्लादेश के भीतर है इसी तरह मान लीजिए कुछ रियासतें हैं जिन रियासतों ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे पूर्वी पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश लेकिन उनके कुछ गांव कहाँ हैं वो यहाँ स्थित है ठीक है कुछ गांव यहाँ स्थित तो भारत के भीतर स्थित है समझौता संपन्न करने की बात हुई कि काम करो भाई कि जो तुम्हारे क्षेत्र के में चला गया है वो तुम ही रख लो जो हमारे क्षेत्र में हम रख लेंगे नागरिकों से पूछ लेंगे भाई तुम्हें जाना है तो तुम बांग्लादेश चले जाओ ये जो हरे वाले इनको कह दिया तुम बांग्लादेश चले जाओ ये जो काले वाले इनसे कह दिया तुम इंडिया चले जाओ अपना आके रहो यहाँ हम तुम्हारी उपलब्धता करवा देंगे गाँव और तुम्हारा सेटल करवा देंगे चिंता मत करो थी? तो ये समझौता संपन्न हो जाना चाहिए इससे हमारे लिए आसान क्या होगा कि ये जो बाउंड्री है बाउंड्री पर हम फेंसिंग खड़ा जो है वो कर देंगे बाढ़ लगा देंगे और फिर हमारे आपके बीच में कम से कम एक दूसरे के क्षेत्र में आने जाने को लेकर चुनौती नहीं रहेगी वीजा लो और आओ जाओ क्या दिक्कत है ठीक है और वैध प्रवसन का मतलब यही होता है लीगल जब कहीं आप लेजिटिमेट इंट्री ले रहे होते हैं तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर पेपर होना चाहिए वीजा होना चाहिए पासपोर्ट होना चाहिए तो वैसे आओ जाओ इलीगल क्यों आना जाना अब देखो हुआ क्या हुआ ये कि चूंकि गांव यहीं रह गए थे समझौता संपन्न नहीं हो पाया 1971 में जब बांग्लादेश बना तब फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई कि समस्या हल कर ली जाएगी और उस समय शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी जी के बीच में 1974 में समझौता हुआ शेख शेख और और मुजीब इंदिरा इंदिरा मुजीब समझौता कहा जाता है अब इंदिरा मुजीब समझौते में कहा गया था कि भाई ये गांव तुम्हें दे देंगे ये वाले हम रख लेंगे नागरिकों को छूट दे देंगे जिस जगह रहना चाहते हैं रहने और फिर हम बाउंड्री फेंसिंग कर देंगे ये सब तय हो गया अनफॉर्चुनेटली मुजीबुर रहमान साहब की हत्या हो गई सेवेंटी फाइव में और इधर भारत में भी इमरजेंसी वगैरह लग गई और फिर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई ये मुद्दा आगे बढ़ नहीं पाया फिर 2015 में जाकर यह समस्या सॉल्व की गई अब तब तक जब तक सॉल्व नहीं है तब तक यहां पर फेंसिंग थी नहीं फेंसिंग नहीं थी तो क्या होता है बांग्लादेश में रहने वाला एक व्यक्ति अपने चाचा ताऊ से मिलने यहां आ रहा है ठीक और यहीं आके रुक गया छुपते छुपाते ही फेंसिंग है ही नहीं फेंसिंग नहीं है तो यहीं से निकल आया और यहीं आके रुक गया ट्रेसिंग मुश्किल है इस तरह से ढेर सारे बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल त्रिपुरा आसाम इन क्षेत्रों में प्रवेश कर गए सबसे ज्यादा आसाम में बड़ी संख्या में और नतीजा यह हुआ कि आसाम की अपनी जो आसाम है पश्चिम बंगाल है यहाँ पर डेमोग्राफी में भी चेंजेस हुए यहाँ बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई लोकल लोगों की संख्या कम हो गई आसाम में तो उसका प्रभाव बड़ा सख्त देखा गया और आसाम के अंदर नाइनटीन के दौर में आंदोलन भी शुरू हुए नाइनटीन के अंत से शुरू हुए और आपने पढ़ा भी होगा कि आसाम में फिर आसाम अकॉर्ड वगैरह हुआ तमाम बातें हुई और फाइनली एक एनआरसी 2005 में एक में केस फाइल किया गया था उसको बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनआरसी करने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स ये जो क्रिएट करने के लिए एनआरसी आदेश जारी किया यानी असम के अंदर जो नागरिक हैं भारत के उनको चिन्हित कीजिए जब एनआरसी का अंतिम आंकड़े आए तो करीब 19 लाख लोग ऐसे ट्रेस हुए जो भारत के नागरिक नहीं थे और ये दावा किया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी और ये अवैध रूप से यानी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के भारत के अंदर निवास कर रहे अब ये 19 लाख की संख्या ट्रेस हुई तब जबकि बहुत से लोगों ने अपना आधार वगैरह क्या कर लिया भ्रष्टाचार का सहारा लेके बनवा लिया है अगर ये नहीं हुआ होता तो ये संख्या और बड़ी हो सकती थी इसमें कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि गलत भी हो गया है चलिए तो वो सब चीजों को अभी फिलहाल यहाँ अगर छोड़ दें तो उस विवाद में नहीं जाना है मोटा मोटी मान के चलिए कि लगभग इतने लोग तो ऐसे हैं ही जो कि अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित किया गया हो सकता है कुछ संख्या कम हो जाए फिर भी अगर इतनी बड़ी संख्या अकेले असम में है तो पश्चिम बंगाल और जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर कभी एनआरसी कराई जाए तो हो सकता है ये संख्या बढ़कर कर एक करोड़ के पास आसपास आ जाए अब एक करोड़ की आबादी अवैध रूप से जो बांग्लादेशियों की है भारत में निवास कर रही है तो ये एक इन्हें चिन्हित करना और चिन्हित करके इन्हें वापस डिपोर्ट करना कहा बांग्लादेश के अंदर ये चैलेंजिंग जॉब भाई बांग्लादेश मानेगा थोड़ी ना कि हमारे यहाँ पे गए और इनके पास पहचान पत्र के नाम पर कुछ है नहीं कि ये बांग्लादेशी हैं ये तो बिना कागज वागज के क्या कर रहे थे बाढ़ लगी नहीं थे तो जंगल जंगल घुस गए अंदर जंगल जंगल बात चली है पता चला है कि बांग्लादेशी भारत में बस चला है तो वो हो गया बस गए अब वही जाहिर सी बात है कि इनको बांग्लादेश वाले अपना स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे नहीं इतनी आसानी से अब ये एक बड़ा विवाद है कि आखिर इन्हें हमने अगर चिन्हित कर भी लिया तो इन्हें वापस बांग्लादेश कैसे भेजा जाए और उसके लिए हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या है वार्ता जारी है तो अवैध प्रवसन का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी को लिखेंगे ठीक और क्या लिखेंगे चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग कि अवैध प्रवसन चुनौती के रूप में है और इसमें लिखेंगे कि आसम में एनआरसी संपन्न हुई है जिसके आधार पर 19 लाख लोग बांग्लादेश अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित किए गए इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़े तनाव के मुद्दे में देखा जा रहा है इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा आपको बताया था कि नदी जल विवाद अवैध प्रवसन के अलावा जो हमारे विवाद का मुद्दा है तीसरा वो है कि आंतरिक राजनीति जैसे सी ए जिसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित समुदाय है उसे भारत के अंदर नागरिकता प्रदान की जाएगी अब हमने यहाँ लिख दिया कि समुदाय तो हमने अपने कानून में लिखा है है तो भारत आंतरिक मामला लेकिन उस कानून में जिक्र किसका है बांग्लादेश का और किस रूप में जिक्र है कि वहां उत्पीड़न होता है तो बांग्लादेश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रही है प्रभावित हुई कि बांग्लादेश में उत्पीड़न होता है हिंदू सिख जैन बौद्ध ईसाई इन धर्मों का और इसके कारण उसकी अपनी एक अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो क्या हो रही है उसको नुकसान पहुंच रहा है तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का कारण बना तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि सी जैसे कानून जिसमें बांग्लादेश के आ, को नाम लिखा गया बांग्लादेश का उल्लेख किया गया है और जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में उत्पीड़ित समुदाय मौजूद है जिसे भारत में नागरिकता दी जाएगी इससे बांग्लादेश का मानना है कि उसकी छवि खराब हुई और दोनों देशों के बीच क्या हुआ तनाव बढ़ा तो आंतरिक राजनीति का प्रभाव इस रूप में देख सकते हैं तो तीन पॉइंट आप इसको लिखेंगे और लिख कर कहेंगे कि ये तनाव के मुद्दे के रूप में दिखाई देते हैं और फिर फाइनल करेंगे अंतिम आप लिखेंगे पैराग्राफ निष्कर्ष वाला कि यद्यपि तनाव की स्थितियां बनी हुई लेकिन लगातार वार्ता करके इसका हल निकालने का प्रयास जारी है आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भारत और बांग्लादेश अपने तनावों को कम करने में सफल रहेंगे और संबंध और मजबूती के साथ आगे बढ़े खत्म हो जाएगा ठीक है ना? तो ये आप जो है अपना आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इंडिया आउट कैंपेन क्या है या भारत के हितों को किस प्रभा किस प्रकार प्रभावित कर सकता है ठीक है तो इसमें आपको जो बेसिक बात थी वो हमने आपको बताया ही था कि, कि इंडिया आउट कैंपेन बेसिकली कहां रही है इंडिया आउट कैंपेन इंडिया आउट कैंपेन आपको बताया था मालदीव में जारी है ठीक है ना तो इंडिया आउट कैंपेन है क्या इसको पहले समझ लेते हैं देखिए मालदीव में दो प्रमुख दल है ठीक है ये आपका मालदीव है ठीक है और ये दीपों से मिलकर बना हुआ प्रवाल द्वीप है ये और बेसिकली यहाँ ना तो बारिश होती है ना ही पीने का पानी बहुत उपलब्धता किसी मीठे पानी के स्रोतों की है तो बेसिकली ये समुद्र के पानी को ही पीने योग्य बनाकर अपना जीवन जीते हैं खाद्यान्न के लिए इनकी निर्भरता मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत के ऊपर है ठीक ना श्रीलंका और भारत ही इनको खाद्यान्न उपलब्धता मतलब बड़े पैमाने पर जो होती है यही से होती है मालदीव का झुकाव कुछ समय से चीन की तरफ भी रहा है मालदीव की अगर बात करें देखिए दो दल यहाँ पर मौजूद है यहाँ भी वही स्थिति है एक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है ठीक है ना और इस समय वर्तमान में यही सत्ता में है और इसके जो प्रमुख है इस समय जो यहां से मतलब इनका अपना राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं मोहम्मद सालेह ठीक है ना तो मोहम्मद साले साहब यहाँ पर सत्ता में है नाम लेते समय हा प्रोनाउंस होना बहुत जरूरी है तो मोहम्मद साले साहब यहाँ पर सत्ता में है और एमडीपी पार्टी के प्रमुख के रूप में है हालांकि मतलब प्रमुख क्या उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय देश का ठीक है और दूसरी पार्टी यहाँ पर है मालदीव पीपुल्स पार्टी जिसके प्रमुख के रूप में अब्दुल यमीन है दो हजार तेरह से दो हजार अठारह तक ये पार्टी सत्ता में थी दो हजार तेरह से अठारह तक और 2018 से 2023 तक जो सत्ता रहेगी वो किसकी रहेगी वो एमडीपी की फिलहाल सत्ता चल रही है इन दोनों दलों में जो प्रमुख है कि एमडीपी उदार दल है और एमपीपी ये क्या है ये रूढ़ीवादी लोग हैं और रूढ़ीवादी मतलब इस्लामिक परंपराओं को मानने वाले थोड़ा सा विचारधारा इनकी कट्टरपंथी है इनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है भारत के विरोध को जो है देखते हैं तो अब्दुल यमीन की जब सत्ता थी तो पूरा झुकाव किसकी तरफ था वो चीन की तरफ दिखाई देता था और चूंकि एमडीपी एक उदार पार्टी है और एमडीपी का अपना यह मानना है कि चीन की रणनीति वो मालदीव पर नियंत्रण करने की है तो उन्होंने एक अपनी पॉलिसी जब सत्ता में आया तो बनाई इंडिया फर्स्ट पॉलिसी तो एमडीपी ने जो पॉलिसी बनाई थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बनाई और 2018 के बाद भारत के साथ मालदीव संबंधों को मजबूत करने के प्रयास आरंभ कर दिए गए थे ठीक और उसी क्रम में क्या हुआ भारत से बड़े पैमाने पर निवेश हासिल किया गया और इस समय भारत वहां कई प्रोजेक्ट्स क्या कर रहा है वो चला रहा है अगर हम मोटा मोटी बातचीत करें तो जैसे भारत का यहाँ पर खास तौर पर जैसे करीब 35 द्वीप ऐसे हैं जहां हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वाटर और सैनिटेशन को उपलब्ध कराने के लिए तो आपको पहले बताया कि पीने का पानी नहीं है तो द्वीपों में हम क्या कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं यानी समुद्र से जल को कैसे प्योरिफाई करके पीने योग्य बनाया जा सकता है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं प्लांट लगाएंगे और इसके अलावा सैनिटेशन यानी कि वहां पर जो है आ, बेसिकली जो सैनिटेशन की सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की बात करें ताकि द्वीप पर रहना आसान हो सके इसके अलावा जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर माले प्रोजेक्ट जिसमें माले जो यहाँ की राजधानी है इसे हम तीन द्वीपों से जोड़ रहे हैं एक द्वीप है थीलाफूसी गुलाही फाहो और विलिंगली इन तीन द्वीपों से क्या कर रहे हैं इसे जोड़ रहे हैं इसे ग्रेटर माले प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य है कि माले पर जो जन घन तो बढ़ रहा है जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है उसे शिफ्ट किया जा सके इन द्वीपों पर क्या करे यहाँ आकर निवास करे तो ये एक हमारा ग्रेटर माले प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट है जिससे माले से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों का निवास वो क्या होगा वो माले से शिफ्ट होना शुरू होगा इधर की तरफ तो ये प्रोजेक्ट ये है जो महत्वपूर्ण है 2021 और 22 के बीच में कई ऐसे हमारे समझौते हुए जैसे हमने एक द्वीप है यहाँ पर जिसका नाम है उथेरू थी ठीक ना यूटीएफ के नाम से जाना जाता है उस द्वीप पर हम एक नौ अड्डा बना रहे हैं और वो नौ अड्डा हमारे लिए नहीं है वो अड्डा हम बना रहे हैं इन्हीं के के लिए माल के लिए मालदीव मालदीव अपने नौसेना कोई द्वीप है ग्यारह बारह सौ द्वीप है जिसमें आबादी एक सौ में ही है तो जितने आबादी वाले द्वीप है या बाकी द्वीप है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोस्टल गार्ड हार्बर बना रहे हैं ठीक ना कोस्टल गार्ड हार्बर बनवा रहे हैं कि वहां पर जो कोस्ट गार्ड होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी उनको इक्विपमेंट दिए जाएंगे उनको हम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इस समुद्र के क्षेत्र में गश्त लगाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तो वो हमारा प्रयास चल रहा है इसके अलावा हमने वहां पर अभी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है एक द्वीप है अड्डू नाम से तो अड्डू द्वीप पर हमारा जो हमारी पुलिस एकेडमी है उसने एक एक पुलिसिंग और लॉ एनफोर्समेंट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिस की है और वहां हम ट्रेनिंग देंगे तो हमारी ट्रेनिंग वहां पे भी जो है पुलिस वगैरह को दी जाएगी तो हुआ यह है कि पिछले तीन चार सालों में जो ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के कारण किसे मिल रहे हैं भारत को मिल और भारत इन प्रोजेक्ट्स के को पूरा करने के लिए यहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है साथ ही साथ आपने देखा कि सैन्य सहयोग बढ़ा है और सैन्य सहयोग में खास तौर पर चूंकि द्वीप वाला मामला है तो नौ सैन्य सहयोग बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है ठीक तो हमारा नौ सैन्य सहयोग चल रहा है अब इस पूरे क्रम में हुआ क्या कि हमारी सेना की उपस्थिति जैसे मान लीजिए यही प्रोजेक्ट है और आप अगर भारत के अंदर भी देखिएगा तो जितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो खतरनाक वाले होते हैं जिसमें आपको दिखाई देगा जैसे आप पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर वाले रीजन में कोई पुल बनवाना है तो आपको सुनाई देगा कि वहां सेना ने क्या किया सेना उस पुल को बनवा रही या समुद्र के अंदर पुल बनवाना है कि एलिफेंटा तक जो है एक हम क्या करेंगे रोड क्रिएट करेंगे पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए तो मुंबई एलिफेंटा को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जाएगा तो वो पुल ऐसा नहीं कोई कंपनी ले बना देगी उसके लिए फिर उसको मदद लेनी पड़ती है सेना की कारण यह है कि ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स और टफ सिचुएशन में काम करने के लिए सेना को ट्रेंड किया जाता है सामान्य तौर से खतरों के लिए काम करने के लिए ट्रेंड स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी और आप किसी भी कंपनी में हो इस तरह के दुर्गम परिस्थितियों में काम करने के लिए कि समुद्र के नीचे जाके रह के काम करना है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो सामान्य तौर से नहीं दी जाती है मजदूरी संदर्भ में खाली ऑयल रिफाइनरी और बाकी छोड़ दिया जाए तो तो वो पुल बनाने वाली ट्रेनिंग वो कोई कंपनी नहीं दे रही है ठीक है ना तो वैसे ट्रेंड लोग कहाँ मौजूद होते हैं वो सेना में वो टफ सिचुएशन में इतनी जो जहां जान जोखिम वाले मामला है वहां पर काम करने के लिए उनको पर्याप्त अनुभव भी हो और उनको पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाता है तो ऐसे भारी प्रोजेक्ट के लिए भी सेना उपलब्ध रहती है मौजूदगी उसकी होती है इसी तरह अगर आप बात कर लें कि भाई सैन्य बेस ही बनाना है नौसैन्य बेस बनाना है तो बिना नौसेना के प्रेजेंस के बनेगा नहीं कोस्टल गार्ड हार्बर बनाना है तो जाहिर सी बात है हमारे कोस्ट गार्ड के लोग क्या करेंगे वहां जाएंगे नौसेना के लोग वहां पहुंचेंगे और तब वो हार्बर बना के दे पाएंगे ट्रेनिंग सेंटर्स क्रिएट कर पाएंगे पुलिस एकेडमी के लोग वहां जाएंगे ट्रेनिंग देंगे तो हुआ ये है कि भारत की सैन्य उपस्थिति वो क्या हो रही है वहां बढ़ गई है और जब सेना की उपस्थिति बढ़ी प्रोजेक्ट तो के नाम पर तो जो विपक्षी पार्टी है अब्दुल यमीन की एमपीपी ये इसको अगेंस्ट में काम कर रही है इसका विरोध कर रही है अब देखिए इसमें एक कैंपेन शुरू हुआ ये कैंपेन दरअसल अब्दुल यमीन के दल ने शुरू किया एमपीपी ने शुरू किया या ये सामान्य किसी संगठन ने शुरू किया ये नहीं कहा जा सकता दो ढाई साल पहले की ये घटना यानी दो हजार के आसपास अचानक जो है कैंपेनिंग स्टार्ट होती है उस कैंपेनिंग का मोटो दिखाया जाता है कि भारत को इन प्रोजेक्ट से बाहर करना है इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है ठीक है कि भारत को यहां से बाहर कीजिए और ये कहा गया मतलब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया कि भारत की सैन्य उपस्थिति यहाँ बढ़ रही है मालदीव की वर्तमान सरकार सत्ता को धीमे धीमे, धीमे भारत को सौंपती जा रही है भारत मालदीप की संप्रभुता को छीनने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसकी सेनाएं हमारे हर द्वीप पे दिखाई दे रही अब जैसे ही ये बात आई वैसे ही क्या हुआ इसको अब्दुल यमीन के दल ने कैच कर लिया हो सकता है प्रोकोगेंडा इन्होंने ही शुरू किया हो।, हो सकता है कि चूंकि ये बात लिखी गई और इस बात से इनको एक मुद्दा मिल गया कि हम इस मुद्दे के आधार पर काम कर सकते हैं और इन्होंने भी भारत विरोधी कैंपेन में हिस्सेदारी शुरू कर दी और इंडिया आउट कैंपेन के नाम से इस कैंपेन को प्रोपोगेट करना शुरू किया और आज ये बड़ा कैंपेन बन गया है पहले ये भारतीय सैन्य उपस्थिति को लेकर ही चलाया जा रहा था अभी इसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है और भारतीय उपस्थिति और उसके प्रभाव को केंद्र में रखा जा रहा है जैसे इस साल जब योग दिवस के दिन विश्व योग दिवस के दिन यहाँ पर जो भारतीय दूतावास है वहां, वहां कैंपेन रखा गया योग के लिए तो उस पर हमला किया गया और ये कहा गया कि भारत अपने सांस्कृतिक प्रभाव को भी कोशिश कर रहा है कि मालदीव के अंदर आरोपित करे अब चूंकि मालदीव में आ, जो बड़ी संख्या है नब्बे परसेंट से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनको ये समझाया गया कि भारत अपने जो सनातन संस्कृति है उसे यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है आरोपित करने की कोशिश कर रहा है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है और हमला इस कारण से किया गया भारत के उस 150 लोग वहां पर बैठ के कैंपेन में योग वगैरह कर रहे थे उनके ऊपर तो ये दिखा रहा है कि जो इंडिया आउट कैंपेन है वो जो भारतीय सैन्य उपस्थिति थी उसके खिलाफ शुरू हुआ और अब भारत के सामान्य प्रभाव को खत्म करने के नाम पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है ठीक है तो क्योंकि ये कैंपेन धीमे धीमे गंभीर रूप ले रहा है इसलिए इस कैंपेन को लेकर प्रश्न बनने की संभावना दिखाई देती है ठीक तो यहां हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर कि फिर इंडिया आउट कैंपेन है क्या और इंडिया आउट कैंपेन के प्रभावों को हम किस तरह से देख सकते हैं ठीक है तो देखिए इंडिया आउट कैंपेन क्या है और यह भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित करता है प्रश्न में दो खंड हैं इसलिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे एक एक खंड को उठाएंगे उसको लिखेंगे इसमें भूमिका देने की आवश्यकता नहीं है तो पहला प्रश्न आप सीधे पूछा इंडिया आउट कैंपेन क्या है तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कहां चल रहा है ताकि आप इस बात को बता सकें कि है क्या चीज तो आप बताएंगे इंडिया आउट कैंपेन भारत के विरुद्ध मालदीव में चलाया जा रहा एक थेक थेक। कैम्पेन है एक कैंपेन ठीक है ना ठीक कैंपेन है कैंपेन क्यों शुरू हुआ तो आप बताएंगे कि विगत तीन या वर्षों में चार वर्षों में मालदीव में भारत के विभिन्न प्रोजेक्ट आरंभ हुए हैं ठीक है भारत के विभिन्न प्रोजेक्ट आरंभ हुए और उन प्रोजेक्ट्स में से प्रमुख रूप से आप प्रोजेक्ट्स का नाम लेंगे जैसे एक नौ सैन्य बेस बना रहा है भारत ठीक इसके अलावा ग्रेटर मॉले प्रोजेक्ट बना रहा है कोस्टल गार्ड हार्बर बना रहा है संयुक्त तीन देशों की श्रीलंका मालदीव और भारत इन तीनों एक का एक संयुक्त साझा सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे तटीय रडार प्रणाली इस पर काम कर रहा है पैतीस द्वीपों में वाटर और सैनिटेशन प्लांट लगा रहा है इसको आप देवनागरी में ही लिखिएगा जल एवं शौचालय वगैरह बनाने के लिए जो है कार्य कर रहा है ठीक और इन सब कार्यों के कारण क्या हुआ है भारतीय सैन्य उपस्थिति भारतीय सैन्य उपस्थिति वो क्या हो गई वो बढ़ी है सेना के लोग वहां क्या हुए हैं बढ़े हैं प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उनकी उपस्थिति यहाँ दिखाई देती है अब इस क्रम में क्या हुआ अब इसके बाद दिखेंगे कि चूंकि भारतीय सैन्य उपस्थिति बढ़ी तो इसका विरोध आरंभ हुआ और भारतीय सेनाओं का भारतीय प्रोजेक्ट्स को समाप्त करने के लिए या भारतीय प्रोजेक्ट्स से भारतीयों को हटाने के लिए या भारतीय प्रोजेक्ट्स का विरोध करने के लिए तो भारतीय सैन्य उपस्थिति और भारतीय प्रोजेक्ट्स का विरोध करने के लिए सैन्य उपस्थिति और भारतीय प्रोजेक्ट्स का विरोध करने के लिए इंडिया आउट कैंपेन आरंभ किया गया ठीक है इसके विरुद्ध क्या है इंडिया आउट कैंपेन आरंभ हुआ है ठीक तो यहां आपको स्पष्ट होना चाहिए कि विरोध भारत के लोगों के विरुद्ध नहीं है भारत में जो वहां पे सामान्य रूप से वहां लिखो टीचर काम कर रहा है कोई डॉक्टर काम कर रहा है उसको निकालने की बात नहीं हो रही जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े भारत के उससे और जो दिक्कत है वो सेना की उपस्थिति से ठीक इसी पैराग्राफ में अभी इंडिया आउट कैंपेन में ही आप यहाँ क्या करेंगे पैराग्राफ चेंज कर देंगे अभी हम लोग खंड एक पे ही काम कर रहे हैं और दो तीन लाइनें आप वहां और लिखेंगे कि इंडिया आउट कैंपेन जो यहां चल रहा है उसको लेकर कि आप चीजों को देख और थोड़ा विस्तार देते हुए लिखेंगे कि यहाँ इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है ठीक है आरंभ में यह कैंपेन पर आप चेंज कर देंगे तब लिखेंगे आरंभ में कैंपेन क्या था कैंपेन सोशल मीडिया पर था सोशल मीडिया पर था परंतु अब विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन भी इसमें शामिल हो गए जिसमें आप एमपीपी को उजाबिल देंगे। और अन्य संगठन भी शामिल हो गए चरमपंथी संगठन है वो भी शामिल हो गए ठीक और इनका दावा है कि भारतीय उपस्थिति वो मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है ठीक मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है भारतीय उपस्थिति मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन इस कैंपेन को बढ़ावा दे रहा है चीन इसे बढ़ावा दे रहा है। चीन के लिए जरूरी है कि वो भारत को यहां से बाहर करे क्योंकि पहले चीन ही अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में था लेकिन अब ही हमारा प्रभाव बढ़ गया तो चीन क्या चाहता है कि वो इस कैंपेन को बढ़ावा देकर भारत को यहां से क्या कर देगा बाहर कर देगा तो चीन भी इस कैंपेन को बढ़ावा दे रहा है ठीक तो कुल मिलाकर ये इंडिया आउट कैंपेन के बारे में डिटेल आपने क्या किया आपने दे दिया तो दो पैराग्राफ आप क्या करिए इसी कैंपेन के बारे में दे दीजिए ताकि कैंपेन के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से के सामने चली जाए अब आपका दूसरा खंड आता है और दूसरा खंड यह है कि इस कैंपेन का भारत पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है ठीक ना तो इंडिया कैंपेन और इसका भारत पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है ठीक भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है अब आपको बताया कि भाई देखिए जरा समझने की आवश्यकता थोड़ा सा तब इस पे हम लोग दूसरे पर जो दूसरा खंड है उस पे आते हैं अब मालदीव में भारत के हित क्या है मालदीव से हमको कुछ मिलना जाना तो है नहीं वैसे ही वो मतलब ऐसा देश तो है नहीं किस साधन संपन्न है ये वो है लेकिन उसकी अपनी पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी बताया कि चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक देश है चरमपंथ भी वहां बड़े पैमाने पर है अब यहां पर चीन और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर भारत की स्थिति कमजोर करना चाहते हैं पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है यहां तक कि आईएस जो इस्लामिक स्टेट नाम का एक संगठन बना हुआ है पश्चिम एशिया का वो भी अपनी प्रति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान का आईएसआई और एक और जो आतंकी संगठन प्रमुख है इस्लामिक स्टेट वो अपनी उपस्थिति कहां बढ़ा रहा है मालदीव और यहाँ के चरम पंथ के साथ साठगांठ कर रहा है क्यों वो चाहता है कि भारत को अस्थिर किया जाए कश्मीर से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं हम कहा से करने की कोशिश करें मालदीव में बेस बनाकर और साउथ इंडिया को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं केरल एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में उनको मिल भी रहा है जहां लोगों का ब्रेन वॉश करके वो कोशिश कर रहे हैं और आप ढेर सारी न्यूज पढ़ते हैं कि आई जो है वो केरल में कई मुस्लिम युवाओं के संपर्क में है और उनका ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उनकी प्रयास क्या है कि भारत को अनस्टेबल करना है अस्थिर करना है और अस्थिर करने के लिए टारगेट क्या कर रहे हैं कि साउथ इंडिया को अब टारगेट किया जाए तो एक तरफ पाकिस्तान का आईएसआई और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन है जो अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत को इस कैंपेन के माध्यम से यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की स्थिति कमजोर हो और दूसरी तरफ चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है अब चीन पाकिस्तान की उपस्थिति यहां बढ़ती है या चरमपंथियों का आतंकवाद से संगठन बन जाता है साठगांठ हो जाती है तो यह भारतीय सुरक्षा के लिए क्या करने वाला है खतरा तो भारत के हित क्यों प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन अपनी उपस्थिति बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा अगर इंडिया आउट कैंपेन सफल हो गया और पाकिस्तान का आईएसआई आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है आई अपना प्रभाव बढ़ा सकता है जो भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती देने वाले हो तो एक तो हमारे लिए क्या है सुरक्षा चिंताएं बड़े पैमाने पर है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है यानी यहीं से हमारा समुद्र के रास्ते व्यापार होता है और यहाँ अगर चीन और आतंकवादियों की उपस्थिति बढ़ती है तो ये हमारे व्यापार के लिए भी क्या करने वाला है संकट खड़ा करने वाला है हमारे स्पाइन की जा सकती जासूसी की जा सकती है अभी आपने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो चाइना का एक जहाज आया था वांग वो भारत के अंदर जासूसी करने के लिए कैपेबल इक्यूप्ड था उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो क्या है वो जासूसी कर सकता है तो ये चैलेंज हमारे लिए उत्पन्न हो रहा है कि हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है तो हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि हम इससे अपने आप को क्या कर सके बचा सके तो हमारा प्राइम कंसर्न जो इस क्षेत्र को लेकर है अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिकोण से और हमारे हित उस दृष्टिकोण से प्रभावित हो हैं दूसरे हमने ढेर सारे प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है अब ये निवेश से हमें एक तो लाभ होता है कि भाई जो हमने मान लिये पैसा लगाया है तो वो कल को क्या करेगा कल को हमें रिटर्न देगा निवेश का मतलब यही होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है तो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं कि हमें भविष्य में इससे क्या होगा लाभ मिलेगा अगर हमारे प्रोजेक्ट बंद करवा दिए गए तो हमारे लाभ क्या हो जाएंगे वो समाप्त हो जाएंगे तीसरा हमारी जो यहाँ की जनता के साथ एक ट्यूनिंग सेट होना शुरू हुई इंडिया आउट कैंपेन वो क्या कर रही है उसे खत्म कर रही तो हमारे सामने दो तीन चैलेंजेस क्या है वो प्रभाव जो है खड़े हो गए तो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है इसमें इन्हीं चैलेंजेस को लिखना होगा अब आएंगे सेकंड प्रभाव पैराग्राफ पे लिखेंगे इंडिया आउट कैंपेन भारत को निम्न आधार पर प्रभावित कर सकता है ठीक और वो प्राव आधार बता देंगे क्या क्या आधार दिखाई दे पहला सुरक्षा संबंधी चुनौती खड़ा करे और इसमें दो बिंदु लिखे ठीक है हितों को कैसे प्रभावित करेगा सुरक्षा के संदर्भ में और सुरक्षा तो संबंधी चुनौती में दो तरीके की चुनौती उत्पन्न हो रही है एक क्या उत्पन्न हो रही है एक उत्पन्न हो रही है चीन के कारण। अगर कैंपेन सफल होता है तो चीन उपस्थिति क्या करेगा बढ़ा लेगा भाषा अपने दे दिएगा। चीन उपस्थिति क्या कर देगा बढ़ा लेगा इसी तरह पाकिस्तान अब आईएसआई के माध्यम से और इस्लामिक स्टेट यहां आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है और जिसका प्रभाव कहां पड़ेगा भारत के दक्षिणी हिस्से पर ठीक है तो भारत के दक्षिणी हिस्से प्रभावित हो सकता है तो ये भी हमारे लिए क्या है सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने वाला है ठीक दूसरा हमारे जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है यानी हमारा जो व्यापारिक मार्ग है वो भी असुरक्षित होगा और तीसरा जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट हैं निवेश हैं, वो प्रभावित होंगे और सा नाम दे दीजिएगा कौन कौन से हैं ग्रेटर माले प्रोजेक्ट वो तो ऊपर दिखे ही हुए हैं आप तो निवेश क्या होगा प्रभावित ठीक ना? और चौथा, जनता में जो हमारी एक सकारात्मक छवि बनी है वो प्रभावित हो रही है भाई अब कहा जा रहा है कि भारत अपना थोपने के प्रयास कर रहा है संस्कृति को तो ये हमारी छवि को क्या कर रहा है बर्बाद करने का काम कर रहा है ठीक है तो ये आप क्या करिए उत्तर में लिख दीजिए और आपका सेकंड पार्ट का उत्तर हो गया अब रह जाता अंत में निष्कर्ष तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यद्यपि ये, ये कैंपेन चलाया जा रहा है परंतु मालदीव की सरकार वो भारत के पक्ष में प्रयास कर रही है खुद भारत को अपने प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक रूप से जनता के बीच जाना चाहिए और उन्हें इन प्रोजेक्ट से क्या लाभ हो रहे हैं इनसे परिचित कराना चाहिए ताकि इस कैंपेन को कमजोर किया जा सके बस उत्तर आपका खत्म हो जाएगा ठीक है ना तो ये आप क्या कर लीजिएगा फाइनल आंसर में लिख दीजिए ठीक तो एक प्रश्न इसमें यहां शामिल नहीं है लेकिन मैं आपको ले देता हूँ देखिए चूंकि पूछा जा चुका है यूपीएससी में इसलिए हाँ आपके साथ चर्चा कर लेना ठीक रहेगा और वो प्रश्न था श्रीलंका का जो संकट है उस संकट को देखते हुए कि श्रीलंका में क्या आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ क्यों हुआ और इसमें भारत की भूमिका क्या रही है भारत किस तरह से अपना योगदान दे रहा है ठीक ना तो इस पर हम लोग क्या कर ले इस पर हम लोग एक चर्चा कर ले और इस पर बात करें तो देखिए श्रीलंका का आर्थिक संकट क्या है और भारत इसकी इसमें क्या भूमिका दिखाई दे रही है भारत किस प्रकार अपनी भूमिका इस संकट में निभा रहा है ठीक है ना तो श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत की भूमिका प्रश्न ऐसे ही सीधा सा आया था उम्मीद यही है कि अगर बीपीएससी में भी पूछेगा तो सीधा सीधा सा प्रश्न पूछेगा क्योंकि यूपीएससी में पूछा है तो थोड़ी संभावना बनती है आर्थिक संकट क्या है और भारत की भूमिका इस संकट को लेकर क्या है ठीक है तो श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है बेसिकली इस संकट को आप सामान्य तौर तो से जब भी पढ़ रहे हैं तो चीन का नाम बड़ा बार बार आ रहा है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या उसकी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी इसके लिए दोषी है ठीक है ना तो यहाँ पर जब हम शुरू करेंगे तो पहले आपको संसद में समझ लिये डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है क्या और फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करेंगे ठीक है ना संक्षिद में पहले समझ लेते हैं कि चाइना के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चीन की वजह से समस्या आई है तो क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं और फिर हम लोग मूल कारणों पे आएंगे कि दरअसल श्रीलंका का आर्थिक संकट क्यों आया था ठीक देखो डेफ्ट ट्रैप पॉलिसी जो चीन की जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है हो सकता है आपने कई बार इसको न्यूज में पढ़ा भी हो कुछ इसके बारे में जानते भी हो तो इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ एक्सप्लेन फिर से कर दे रहे हैं अगर समझ है अच्छी बात है नहीं है तो जान जाइए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आरंभ की थी 2013 से और मूल रूप से चीन क्या करता है उसमें अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी चर्चा होगी आपके साथ मूल रूप से चीन क्या करता है चीन निवेश करता है और निवेश करके अवसंरचना विकास को सुनिश्चित करने की बात करता है और अवसंरचना विकास के नाम पर आ, लोन देता है लोनिंग इस तरह से दी जाती है जिसको हार्ड लोन बोला जाता है हार्ड लोन का मतलब होता है कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा यानी मान लीजिए कि कि चीन ने कहा आपको सौ करोड़ रुपया देंगे तो इस सौ करोड़ रुपए पर वो कहेगा कि हम आपसे छह परसेंट ब्याज देंगे ठीक है सामान्य तौर से जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लोन देती हैं तो वो दशमलव पांच परसेंट से लेकर मैक्सिमम साइड पर दो परसेंट तक जाती है ठीक है अधिकतम लोन की जो ब्याज होता है वो इंटरेस्ट दो परसेंट का आता है और वैसे दशमलव पांच से एक परसेंट के बीच में ही रहता है इससे ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाता तो उस तुलना में देखेंगे तो छसेंट अपने आप में क्या है बहुत ज्यादा और जब आप देखेंगे राशि की बात करेंगे तो सौ करोड़ अगर दे रहा है कोई सौ करोड़ रुपया दे रहा है और उस उसपे कहेगी छह परसेंट तो छह अपने आप में एक बड़ी राशि है पर ईयर अगर किसी को छह देना पड़ेगा तो ठीक है ना दस परसेंट मतलब दस करोड़ छह करोड़ रुपया तो देना ही देना है हर हाल में तो अब इतनी छोटी राशि कोई लेता नहीं है पांच सौ करोड़ो सात सौ करोड़ो दस एक हजार करोड़ो पांच हजार करोड़ ऐसे पैसा दिया जाएगा चालीस पचास करोड़ रुपए तो हमेशा क्या करना है हमेशा इस बात के लिए रखना है कि उसका ब्याज देख सकते मूल की तो बात ही छोड़ दी जाए तो जाहिर सी बात है कि अब आ, आ, अगर इसमें हम बात करें तो एक राशि इस तरह की बड़ी जो, जो है वसूली जाती है हार्ड लोन देकर और दूसरे ये भी कहा जाता है कि आप जो धन है वो तीन साल से पांच साल के भीतर वापस कर दीजिए यानी कुल मिलाकर हमने सौ करोड़ रुपया दिया मान लेते हैं सौ करोड़ रुपए खर्च किया छह परसेंट ब्याज पर दिया एक तो ब्याज ज्यादा ले रहे हैं और ऊपर से क्या रहे है कि तीन साल में पैसा वापस कर दो सौ करोड़ प्लस जो आपका ब्याज है अठारह लाख अठारह करोड़ रुपए का वो वापस कर दे रही है बात खत्म कीजिए ठीक है ना अब ये अपने आप में क्या मामला है कि, कि किसी भी देश के लिए इतना पैसा वापस कर पाना जब तक कि उसकी चीजें लागत निकल ना पाए तब तक तो उस सम्भव है ही नहीं बड़े देश तो फिर भी अपने रिजर्व रखते हैं तो वापस कर देते हैं छोटे देशों के लिए मुसीबत ज्यादा हो जाती है फिर लोन धीमे धीमे क्यूमलेट होता है बढ़ता चला जाता है भाई एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट चार प्रोजेक्ट तो फिर पैसा वापस करना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है तो हुआ क्या कि चीन क्या कर रहा है खुद ही पैसा लगवाता है उसकी रेट फिक्स करता है समय फिक्स करता है प्रोजेक्ट देता है और जब पैसा वापस नहीं होता है तो उसके संसाधन पर कब्जा कर लेता है अब उसने कहा चलो तुम्हारे यहाँ रेल लाइन बनाएंगे बना दो भाई इसके लिए पैसा हमसे ले लो दे दो भाई और कितना पैसा लगेगा पांच सौ करोड़ ले लो भाई छह परसेंट छः परसेंट दे दो भाई दे दिया तीन साल में वापस कर देना सब कैसे करेंगे अरे प्रोजेक्ट पूरा होगा देखो रेलवे चलेगी इतना पैसा मिलेगा हो जाएगा कर लो ले लिया भाई अब क्या हुआ तीन साल बाद पैसा वापस नहीं कर पाए फिर रेलवे लाइन से जितना रेवेन्यू होगा अगले सौ साल तक वो हमें देते रहो तुम्हारे पास एक रुपया नहीं जाएगा अब सौ साल के लिए रेलवे किसके पास चले गी? चीन के पास चले चीन सारा पैसा वसूलेगा रेल वहां से गया एक पोर्ट बनाया पोर्ट का पैसा दिया पोर्ट बनाने का लोन वापस नहीं कर पाए पोर्ट हमारा हो गया बंदरगाह हमारा है अब इस बंदरगाह से जितना पैसा आ होगा किसकी जेब में जाएगा चाइना के पास जाएगा उसके राइट्स किसके पास है चाइना के पास है, पास है। तो गहर सी बात है कि चीन क्या कर रहा है धीमे धीमे संसाधन पर तो कब्जा कर रहा है इसी को नाम दिया जाता है डेप ट्रैप पॉलिसी ऋण देकर जाल में फंसा लेना और उसके बाद वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लेना तो एक आ रहा श्रीलंका का आर्थिक संकट इसी ऋण के कारण आया जो ऋण खूब ढेर सारा उन्होंने कहा से उठा लिया था चीन से उठाया था और चीन का ये ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं और जब ऋण वापसी करने के क्रम में ही इनके ऊपर ये संकट खड़ा हुआ है अब यहां सीधे बात करें तो चीन का जो पूरा डेप्थ है ऋण है लोन है वो श्रीलंका के जीडीपी का 10 परसेंट ही है खाली 10 परसेंट लोन ले रखा है कहां से चीन से बाकी 90 परसेंट उन्होंने से उठा रखा है तो जाहिर सी बात है कि अकेले चीन को दोष देना ये ठीक नहीं है श्रीलंका का जो अपना आर्थिक संकट है उसके पीछे रीजन बिल्कुल अलग थे ठीक है ना तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर संकट के पीछे के कारण क्या कहते हैं तो आर्थिक संकट का कारण क्या है श्रीलंका आर्थिक संकट और इसके कारण क्या है ठीक है घटना 2022 की है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है हम्म तो क्या हुआ क्या कि श्रीलंका में आपने पढ़ा श्रीलंका के बारे में अगर आप जानते हो तो श्रीलंका में एक समुदाय निवास करता है जिसे तमिल समुदाय बोलते हैं ठीक ना और श्रीलंकन तमिल के नाम से जाना जाता है जब हम लोग आप चूंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको यहाँ डिटेल पे ले जाए लेकिन आप समझिएगा श्रीलंका में तमिल समुदाय दो भागों में बटा हुआ एक इंडियन तमिल बोले जाते हैं और दूसरे श्रीलंकन तमिल बोले जाते हैं ठीक है ना इंडियन तमिल वो हैं जो अंग्रेजों के समय श्रीलंका में ले गए ले जाए गए थे बागवानी कराने के लिए या खेती वगैरह करवाने के लिए चाय के बागान में खड़ा करने के लिए और मजदूर के रूप में थे और आ, उनको मतलब बहुत ही कम मजदूरी पर ले जाकर अंग्रेजों ने काम करवाया था तो उनकी हालत बहुत खराब है और स्थिति बड़ी कमजोर है वहां के नागरिकता भी इनको नहीं दी गई है उनको इंडियंस तमिल बोला जाता है क्यों क्योंकि वो आ, अंग्रेजों के काल के गए हुए हैं और वहां के जो तमिल पहले से रह रहे थे उनसे अलग माने जाते हैं और एक समुदाय है जिसे श्रीलंकन तमिल बोला जाता है श्रीलंकन तमिल इसलिए क्योंकि वो कम से कम हजार साल से कहा निवास कर रहे हैं श्रीलंका में निवास कर रहे हैं 800, 700 साल पहले से ही निवास कर रहे हैं और एटलीस्ट जो अधिकतम सीम देखा जाए तो हजार साल तो हजार बारह सौ साल के आसपास तो रहा ही होगा मतलब मूल रूप से राजेंद्र चोल के आक्रमण के बाद से तो बड़े पैमाने पर यहाँ तमिलों ने रहना शुरू कर दिया था राजेंद्र चोल राज, राज है इनके काल में आक्रमण वगैरह करके और यहाँ पर तमिलों को बसाया गया था अब चूंकि ये जो तमिल यहाँ रह रहे हैं ये लंबे समय से रह रहे हैं आठ सौ साल हजार साल से रह रहे हैं तो इनको यहाँ का मूल निवासी स्वीकार कर लिया गया है और इसलिए उनको नाम दिया गया श्रीलंका तमिल ठीक तो तमिल समुदाय दो है एक श्रीलंकन तमिल समुदाय है और एक भारतीय सम, तमिल समुदाय अब जो मुद्दा है वो मूल मुद्दा क्या है कि जो संविधान बना श्रीलंका की आजादी के बाद उसमें श्रीलंकन तमिल समुदाय के अधिकार छीन लिए गए दिए ही नहीं गए छीने क्या गया मतलब दिए ही नहीं गए सीमित अधिकार दिए गए अब जो समुदाय हजार बारह सौ साल से कहीं रह रहा है अपने आप को वहां का मूल निवासी मान रहा है वो अपने भेदभाव को सह नहीं भाई वो कह रहा है कि श्रीलंका में सिंगली लोग रहते हैं सिंगली लोगों की जनसंख्या करीब करीब पचासी परसेंट और तमिल समुदाय रहता है तमिल समुदाय लगभग ग्यारह बारह परसेंट रहते लोग हैं दो परसेंट में तो ये कह रहे हैं कि भाई हम हजारों साल से रह रहे हैं तो हमको क्या है अधिकार मिलने चाहिए लेकिन इनको अधिकार दिए नहीं गए दिए नहीं गए तो शुरू में तो ये क्या कर रहे थे आंदोलन चला रहे थे और आंदोलन शांतिपूर्ण चला रहे थे लेकिन सत्तर के अंत तक और अस्सी के दशक में आते आते मतलब सत्तर के सेवेंटी सेवन एट तक आते आते इनका आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया और एक संगठन बन गया जिसका नाम रखा गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एल टी टी इसे हिंदी में लिट्टे भी बोलते थे और इसने यहां पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया आतंकवादी संगठन घोषित हुआ और आतंकी गतिविधियों का सहारा लिया ठीक 2009 तक यहां पर सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी रही और 2009 में जाकर एल को सेना ने पूरी तरीके से खत्म किया तो यहां पर क्या हुआ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन 2009 तक चली है तो लगभग 75 के बाद से लेकर 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है एक तरफ एक संगठन है एल -E, जो वॉर के मतलब वॉर कर रहा है उसने वॉर डिक्लेयर कर रखी है और श्रीलंका की सेना उसके दमन में लगी हुई है ये अपने आप में एक देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने वाला मामला है और किसी भी देश में अगर गृह युद्ध चल रहा है वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है तो ना तो उस देश में कोई निवेश करेगा और ना ही उस देश का व्यापार बढ़ाया जा सकेगा तो निवेश और व्यापार क्या हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा ठीक तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 2009 तक श्रीलंका को ना तो प्रॉपर निवेश मिल पाया और ना ही उसका व्यापार विकसित हो पाया तो ऑलरेडी एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में क्या है वो अपने जो है पहचान रख रहा है 2009 के बाद जब ये खत्म हुआ सिविल वॉर तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई और समस्या क्या हुई कि सिविल वॉर के दौरान सेना ने दमन किया है तमिल लोगों का और ये जो दमन है ये मानव अधिकार का हनन है और चूंकि मानव अधिकार का हनन है इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने श्रीलंका के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो जो निवेश मिल सकता था वो क्या हो गया मानव अधिकार हनन के कारण नहीं मिल पाया तो दो समस्या पहली 2009 तक की स्थिति क्या हुई 2009 तक तो गृह युद्ध चल रहा है जिससे निवेश व्यापार वो क्या है नीचे है राजस्व कम है आपके पास आय नहीं आ रही है आपको निवेश नहीं मिल रहा आपका व्यापार कमजोर है तो आप एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और 2009 के बाद जब चीजें ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ी तब तक क्या हो गया मानव अधिकार हनन का मुद्दा उठ गया और हनन के मुद्दे के कारण कुछ प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए प्रॉब्लम बढ़ गई ठीक तो दोहरी समस्या गई तीसरी स्थिति क्या बनी कि इन सब के बीच में जब चुनाव हुए तो चुनावों में जो भारत के अंदर भी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा आपने साथ पढ़ा भी होगा कि चुनावों के अंदर फ्री बीज शुरू हुए ठीक है ना मुफ्त के जो बांटने वाली प्रक्रिया है रेवड़ी जिसको बोलते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम किया जाता रह है मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई वो जो मामला है वो यहां शुरू हुआ और इसमें क्या हुआ चुनावी वादे किए गए कि मुफ्त बिजली देंगे मुफ्त पानी देंगे टैक्स घटा देंगे और इन चुनावी वायदों में पूरा करने के लिए टैक्स छूट दी भी गई तो 2019 में जब गोताबाया राजपक्षे जीते तो उन्होंने सत्ता इसी तरह प्राप्त की थी चुनावी वायदे किए थे और जिसमें मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराने की बात की थी और इसी मुफ्त के उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने किया भी कि टैक्स कम कर दिया कई चीजों में थे रिवेट कर दी कई चीजों को मुफ्त में उपलब्ध भी करा दिया अब ये समस्या वाली बात है कि जिस देश में ऑलरेडी आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उस देश में सरकार राजस्व बढ़ाने की बजाय वो क्या कर रही है मुफ्त में चीजें बांट रही थी मुफ्त में कहा से दो मान लो वादा कर रखा है कि हम क्या करेंगे सबको एक एक स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे वो भी सैमसंग का कुछ नहीं तो पंद्रह हजार वाला बढ़िया वाला लोगों बोल दिया चुनाव में खड़े हुए कि हर किसी को सैमसंग का 5G फोन कराएंगे और वो भी कम से कम पंद्रह हजार मूल्य का खरीदना तो पड़ेगा सैमसंग तुम्हारे चुनावी पूरा करने के लिए तुमको तो दे नहीं देगा खरीदोगे तो ही है ना और खरीदोगे तो कहां से खरीदो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा पैसा कहां से लाओगे पैसा है नहीं आपके पास पैसा कहां से लाओगे तो बजाय रेवेन्यू बढ़ाने के काम क्या शुरू कर दिया मुफ्त में बांटने पे तो खर्चा कहां ज्यादा हो रहा है मुफ्त की चीजों पे खर्च हो रहा है आ, और वो भी कंस्ट्रक्टिव नहीं ऐसा नहीं है कि ये पैसा निवेश हो रहा है और कल आपको रिटर्न देगा ये तो वो पैसा है जो खर्च हो गया हो गया अब इसका रिटर्न आपको नहीं मिलने टैक्स रेट घटा दिए गए पहले मान लिया इनकम टैक्स चल रहा था तीस परसेंट घटा के कर दिया गया पंद्रह परसेंट तो रेवेन्यू कम हो गया खर्च बढ़ गया तो जब खर्च बढ़ेगा आय कम हो जाएगी तो समस्या क्या हो जाएगी गंभीर होना शुरू हो जाएगी अब ऐसे में आप क्या? आप खुद सोचिए आप जो इंडिविजुअल ऐसे सोचिए कि आप श्रीलंका है और आपने क्या कर रखा है आपने अपने घर के जितने बच्चे थे उनको कह रखा है कि सबको हम क्या करेंगे सबको पांच सौ रुपए का खिलौना देंगे और आपके पास पैसा है ही नहीं ठीक है तो कहां से देंगे तो आपको किसी से पैसा मांगना पड़ेगा अब देखिए होगा क्या चुनावी वायदे हैं मुफ्त में जो है चीजें दी जा रही हैं इससे राजस्व पर बोझ बढ़ेगा ठीक है ना अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा और साथ ही साथ इन लोगों ने किया क्या टैक्स कटौती भी कर दी तो दो काम एक साथ हो गए एक तो मुफ्त में चीजें बांट दी दूसरा टैक्स कटौती कर दी यहां राजस्व कम हो गया और व्यय क्या हो गया बढ़ गया संकट बड़ा हो गया ठीक यह समझ में आ रहा है वह बढ़ गया ठीक है ना अब देखो क्या होगा अब आपको भैया पैसा कहीं से लाकर अपना व्यय पूरा करना पड़ेगा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है आप क्या करोगे उधार मांगोगे लोन लोगे ऋण लोन लेकर खर्च पूरे के और लोन भी लिया का कैसा हार्ड लोन हार्ड लोन अभी बताया था क्या है उच्च ब्याज दर और कम समय के लिए तो होगा क्या लोन वापस करने का दबाव बढ़ेगा फिर एक समस्या आई लोन वापस कहां से करोगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था जो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे आप बचा के रखते हो संकट के लिए उसे निकालना शुरू कर दिया लोन चुकाने लगे तो फॉरेन एक्सचेंज का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं लोन चुकाने के लिए कर रहे हैं ठीक है ना क्रम समझिएगा एल को समाप्त किया युद्ध हुआ गृह युद्ध के बाद मानवाधिकार हनन का आरोप लगा निवेश फिर नहीं मिला निवेश मिल ही नहीं रहा था राजस्व पहले से ही कम था उसमें चुनावी वायदे कर दिए टैक्स कटौती कर दी मुफ्त की चीजें बांटी खर्चा बढ़ा लिया आय कम उसे पूरा करने के लिए लोन ले लिया लोन भी कैसा लिया हार्ड लोन लिया परिणाम क्या है कि आप अपने पास जो रिजर्व पैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज वाला पैसा होता है विदेशी मुद्रा भंडार उससे लोन चुकाने लगे ठीक है तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार बचत का पैसा भी क्या हो गया खत्म हो गया हालात ये हो गए कि 2022 में एक दशमलव छह बिलियन डॉलर इनके फॉरेन एक्सचेंज में बचा हुआ था और इन्हें सात दशमलव दो बिलियन डॉलर दिसंबर तक पे करना है तो एक दशमलव छह बिलियन डॉलर है खाली यानी कि छह बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना ही पड़ेगा किसी से फिर लोन लेना पड़ेगा और लोन 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 लेने की सीमा होती है है तभी तक मिलता है जब तक मिलता जब दूसरे को ये भरोसा हो जाए कि लोन वापस कर दोगे अब किसी को पता चल जाए कि तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो तुम क्या कर सको पैसा वापस करने के लिए काम कर सको तो लोन मेरे ना लोग बंद कर देंगे तो इनकी लोनिंग क्या हो जाएगी धीमे धीमे बंद अब देखो ये सब संकट तो चल ही रहा है इसी बीच में जिसको कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया ओड में खाज क्या हो गया परेशानी क्या खड़ी हुई कोरोना और इसने क्या कर दिया अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया ठीक ना और नुकसान ठीक और अंतिम भाई कोरोना से अर्थव्यवस्था प्रभावित पूरे विश्व की प्रभावित हुई तो पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था थी और बर्बाद हो गई और अंतिम जो समस्या खड़ी हो गई जिसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वो गोताबाया राजपक्षे और इनके भाई महेंद्र राजपक्षे के अंदर जो है उसी तरह विपरीत बुद्धि कार्य करने लगी और इन दोनों लोगों ने चीन के दबाव में किया हो या जो भी सोच के किया इन्होंने अचानक पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दर्शाया इनको लगा पर्यावरण बचाने के लिए श्रीलंका अकेले उत्तरदायी है और ये विश्व के पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग को अकेले खत्म करेंगे अब कुछ तो सोच रही होगी वरना ऐसा क्यों ही करते तो इन्होंने क्या किया कि रसायन जो रासायनिक उर्वरक थे केमिकल जो फर्टिलाइजर थे उनको बंद कर दिया और कहा कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे अब ऐसा चमत्कार तो होने वाला नहीं है कि जमीन की मिट्टी में जहां आप पिछले पचास सौ सालों से केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे थे, बंद कर दो और अचानक ऑर्गेनिक डाल दो पेड़ पौधे एकदम पनप जाए ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत तुरंत तुरं में चमत्कार कुछ हो जाएगा ऊपर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पंगाया कहा से चीन से चीन वालों ने सबसे घटिया फर्टिलाइजर भेज दिया वापस करवाया गया जितने दिन में वो आया और वापस गया जो फसल लगाने का सीजन था वही निकल गया नतीजा खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया ठीक ना तो ऑलरेडी आर्थिक संकट था ही लेकिन जैविक उर्वरक के प्रयोग ने क्या कर दिया खाद्यान्न संकट भी खड़ा कर दिया और ये निर्णय अचानक लिया गया था ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो प्रॉब्लम से निपटने के बजाय क्या किया गया रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बंद करके जैविक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि जब जरूरतें पूरी नहीं हुई तो खाद्यान्न उपलब्धता भी उत्पादकता भी क्या हो गई घट गई और खाद्यान्न संकट भी उड़ जो है उत्पन्न हो गया ठीक अब देखो क्रम से क्रमशो समझो कि इकट्ठे सारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं बढ़ती चली जा रही है और इसी हार्ड लोन में चीन का भी लोन शामिल था जो कि एक समस्या का कारण था ही था अब कुल ले देखकर इन सारे कारणों से चीन में वो श्रीलंका के अंदर क्या हो गया आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया तो श्रीलंका का जो संकट था वो आर्थिक संकट भी है वो खाद्यान्न संकट भी है जो इन रीजन से क्या हुआ था उभरा था जिस कारण से ही वो बढ़ गया था ठीक तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने थी अब इस पूरे में भारत की अपनी जो भूमिका रही श्रीलंका संकट के दौरान कि भारत ने श्रीलंका को इस पूरे मामले में अपना पूरा सहयोग दिया और एक चार सूत्री फॉर्मूला भी बनाया भारत की भूमिका क्या थी भारत की भूमिका कि भारत ने श्रीलंका को सहयोग करने के लिए चार सूत्री फार्मूला बनाया था और हम अपने पड़ोसी को कभी निराश नहीं करते हमारी नीति है पड़ोस प्रथम नीति और इसी कारण हमने इस नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी को सहयोग करने के लिए आगे बढ़कर काम किया और चार सूत्री फार्मूले में पहला तो हमने क्या किया लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराई लाइन ऑफ क्रेडिट आप जानते हैं कि उधार देने की अधिकतम सीमा तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए खाद्यान्न के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराई और इसके माध्यम से इन्हें इन चीजों को उपलब्ध कराया जैसे खाद्यान्न उपलब्धता दवाइयां उपलब्ध कराई चालीस हजार मीट्रिक टन पेट्रोलियम उपलब्ध कराया ठीक ना और इसके माध्यम से हम लोगों ने लगभग साढ़े तीन बिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई ठीक है ना लगभग आपका सितंबर अक्टूबर तक हम लोगों ने सितंबर तक करीब करीब इतने सहायता इनको उपलब्ध कराई थी साढ़े तीन मिलियन डॉलर की ठीक है ना तो हमारे तरफ से क्या किया गया लाइन ऑफ क्रेडिट देकर सहयोग देने की बात की गई एक तो हमने इस पर काम किया दूसरा हमने क्या किया आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक समझौता होता है करेंसी स्वयं ठीक है करेंसी स्वैप समझौता यानी कि जो लेन देन है वो डॉलर के बजाय क्या किया जाए एक दूसरे की करेंसी में किया जाए अभी हम ये कई देशों के साथ इस तरह के समझौते पे जा रहे हैं जैसे रूस के साथ भी हम एक रुपया रूबल समझौता कर रहे हैं करेंसी स्वैप का कि डॉलर को बीच में ना डाले डॉलर के एक्सचेंज क्योंकि डॉलर का रेट क्या होता है फ्लक्चुएट होता रहता है बढ़ता घटता रहता है और जब हम उसके माध्यम से करते हैं तो जो देता होती है वो बढ़ जाती है तो हम व्यापार क्या करें अपने अपनी मुद्राओं में करें ठीक ना और अपनी मुद्राओं का जो एक्सचेंज है तो एक दूसरे के साथ जब जैसा व्यापार होगा वैसे ही एक्सचेंज रेट क्रिएट होगा यानी और इससे एक फायदा ये होता है कि जिस रेट पर लिया गया है उसी रेट पर वापस करना होगा मतलब इसको अगर आप इकोनॉमिकल उसमें देखें इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में आपने पढ़ा हो तो मान लीजिए सौ हमने किसी को उधार के रूप में दिए और दो परसेंट ब्याज पे दिया दस परसेंट ब्याज पे दिए दस रुपए उससे लेने हैं। तो अगर यही व्यापार डॉलर में होगा तो हो सकता है कि आज एक जो सौ डॉलर मतलब एक डॉलर को सौ रुपए के बराबर है तो हमने क्या किया कि एक डॉलर किसी को दिया है और उसको कहा कि पांच साल बाद हमको वापस कर देना पांच साल बाद एक डॉलर की कीमत एक होगी तो हमें एक प्राप्त होगा और उसे देने पड़ेंगे एक रुपए डॉलर एक्सचेंज करने के लिए तो उसके ऊपर बोझ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इस पूरे फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए करेंसी स्वैप किया जाता है और करेंसी स्वैप के माध्यम से डॉलर के जो फ्लक्चुएशन है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है तो ये करेंसी स्वैप समझौता किया हमारा कि हम आपको जो भी पैसा देंगे आपकी करेंसी और हमारी करेंसी में ही चीजें होंगी यानी आपसे जब वापस लेना होगा तो विनिमय हमारी आपकी करेंसी के बीच में ही किया जाएगा ठीक है तीसरा क्या है तीसरा हमने कहा कि हमारा एक प्रोजेक्ट है त्रिंकोमोली में हम यहां हाइड्रोकार्बन हब बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट को हम पूरा करें तो इसको हमने कहा यथाशीघ्र पूरा करेंगे ताकि इनकी आमदनी क्या हो सके वो बढ़ सके ठीक और चौथा जिस पर हमने काम करने के लिए कहा कि हम नए क्षेत्रों में निवेश करेंगे ताकि यहां रोजगार उत्पन्न हो और अर्थव्यवस्था को गति मिल सके जिससे रोजगार क्या हो सके बढ़ सके और अर्थव्यवस्था गति मिल सके ठीक है तो ये चार सूत्री फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या किया अपनी सहायता उपलब्ध कराई किसको श्रीलंका को और श्रीलंका को सक्षम बनाने का प्रयास किया कि श्रीलंका वो इस संकट से निपटने में सक्षम हो सके इसके अलावा हमारी जो भूमिका रही वो ये रही कि हमने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज दिलवाने के लिए प्रयास किया है बेल आउट पैकेज और ये मिल भी गया 29 बिलियन डॉलर का पहले किस्त इनको दी जाएगी बेल आउट पैकेज का मतलब होता है जैसे क्या है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो उधार मांगता है आपसे तो भाई पहली बार आया कहा पाँच रुपए दे दो एक हफ्ते बाद वापस कर देंगे आपने उसे 500 दे दिया एक हफ्ते बाद मिला ही नहीं वो मिला दस पंद्रह दिन बाद जैसे ही मिला आपने कहा कि वो पांच सौ रुपए लिए अरे यार हाँ वापस करने थे भाई इस हफ्ते रुक जाओ एक पांच सौ और दे दो हजार रुपये पक्का हूं तुम्हारा अगले महीने वापस कर देंगे आपने एक पाँच और दे दिया फिर एक महीने बाद वो मिला कह रहा देखो दोस्त थोड़ी परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी हम संकट में है एक काम करो दो हजार और दे दो तीन महीने में पूरा तीन हजार वापस कर देंगे एक साल के बाद आपके उसको देखते ही आपका बीपी हाई हो जाएगा कि रोज और पैसा मांग रहा है वापस कर नहीं रहा है तो आप मना कर दो भैया लोन नहीं दे पाए उधार नहीं दे पाएंगे हो गया तुम्हारा अब जब उसको इस स्थिति में पहुंच जाए कि उसको कोई उधार ना दे है ना हालत खराब तो उसको बोलते हैं दिवालिया क्या बोलते हैं कि वो दिवालिया हो गया उस लीगल टर्म है मतलब एक आदमी उधार वापस नहीं कर सकता है उसकी क्षमता नहीं उसके पास उसकी संपत्ति नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है कि वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए लोन रिटर्न नहीं कर पाएगा अब वो दिवालिया घोषित हो जाएगा कुछ कुछ ऐसी स्थिति ही श्रीलंका के हो गए कि अब वो वापस करने की स्थिति में नहीं है दिवालिया होने के की अब किसी भी देश की स्थिति इस तरह की हो जाए तो वो एक बार अंतिम प्रयास के रूप में पैसा मांगता अब उसमें होता यह कि जो भी संगठन संस्था पैसा देगी ठीक ना तो फिर वो अपनी शर्तें भी बताएगी कि भैया इन शर्तों को पूरा करो पैसा लो और अर्थव्यवस्था ठीक करो गाइड करे। इसे बोलते हैं बेल आउट पैकेज अंतिम बार एक बार अंतिम प्रयास के लिए पैसा ले लो ठीक है ना लेकिन इस बार पैसा देंगे तो हम बताएंगे क्या करना है तो जैसे उस लड़के ने आपसे फिर से कहा पांच महीने बाद मिलके क्या तुमसे लिया है पाँच छह हजार रुपये हम जानते हैं वापस नहीं कर पाएंगे हालत मेरी बहुत खराब है एक अंतिम मौका दे दो तो देंगे अंतिम मौका लेकिन हम बताएंगे पैसा कैसे और कहाँ खर्च करोगे और तब हमें पैसा वापस मिल पाएगा उन्हें बता दे भाई जहां शर्त बता दो वही कर तो आपने कहा हम तुम्हारी तो दुकान खुलवा दे रहे हैं गुमटी लगाओ सामान बेचो और हर महीने हमको पैसा वापस करते रहना ना पाँच ही वापस करो और बाकी अपने खर्चे के लिए रखो हम समझ गए तुम तो पैसा लेते हो इधर उधर उड़ा देते हो तो हम तुम्हारा पैसा सही जगह लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर मॉनिटरिंग रखेंगे दुकान पर रेगुलर बैठना होगा कभी भी आके चेक कर सकते हैं तो, यही काम श्रीलंका के लिए किया जा रहा है इसी को बोलते हैं बेल आउट पैकेज यानी कि एक अंतिम बार उधार दिया गया बेल आउट पैकेज दिया गया और उसको बताया जाएगा कि आपकी इकोनॉमी को किस तरीके से आगे बढ़ाए ताकि आप पैसा रिटर्न करने की स्थिति में आ जाए तो श्रीलंका को आईएमएफ से हमने क्या किया बेल आउट पैकेज दिलवाने में मदद की है ताकि वो इस संकट से बाहर आ सके तो एक तरफ हमने आर्थिक सहयोग भी किया और दूसरी तरफ हमने क्या किया हमने बेल आउट पैकेज वगैरह उपलब्ध कराया ताकि श्रीलंका का आर्थिक संकट समाप्त किया ठीक है तो ये भारत की भूमिका रही श्रीलंका के चलिए तो श्रीलंका भी आपका हो गया अब म्यांमार पे आते हैं ठीक है चौथा जो हमारा देश है वो है म्यांमार भारतीय हितों को देखते हुए म्यांमार की सैन्य सत्ता से संबंध बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है भारत की म्यांमार के प्रति वर्तमान नीति की समीक्षा कीजिए ठीक है अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय हितों को देखते हुए म्यांमार की सैन्य सत्ता से संबंध बनाए रखना ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है और फिर कहा है कि नीति की समीक्षा कीजिए कि, कि सही लग रही है या गलत लग रही है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सैन्य सत्ता की जो बात की जा रही है वो सैन्य सत्ता का मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ठीक ना देखिए म्यांमार एक ऐसा देश है जहां भारत के साथ साथ आजादी लगभग मिली थी यानी कि जनवरी 48 में अः म्यांमार आजाद हुआ है सैतालीस में हम लोग आजाद हुए म्यांमार पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था ठीक है तो ये जो म्यांमार आजाद हुआ तो आजादी के बाद यहाँ पर भी डेमोक्रेसी ही स्टार्ट हुई थी और आंगसू जो कि उस समय वहां के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे छात्र जीवन से ही वो यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे हालांकि ठीक स्वतंत्रता से छह महीने पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद उनके एक मित्र थे वो के प्रधानमंत्री के रूप में स्टेब्लिश हुए और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली थी और मोरऑल शुरुआती कुछ समय यानी कि लगभग 20 साल 10 साल के आसपास 10 साल के आसपास वहां पर जो सत्ता थी डेमोक्रेटिक तरीके से चलती रही लेकिन 10 साल बाद वहां की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया वहां के सैन्य शासक ने उसका नाम था नीविन उसने सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली और 1961 के बाद से लगातार सत्ता किसके पास रही वो सेना के पास रही सेवन एटी एट एट में जाकर विद्रोह हुआ था वो भी इसलिए हुआ था कि इन लोगों ने भी वही डिमोनेटाइजेशन वगैरह किया था और उसके बाद वहां बौद्ध संप्रदाय के जो लोग थे भिक्षु थे उन्होंने भी विद्रोह किया था छात्रों ने भी किया ने भी किया और उस विद्रोह को लीड किया था आंग सु उनकी लड़की थी आंग सांग सी सु बहुत अच्छे से परिचित हैं आंग सांग सु नोबेल प्राइज विजेता भी हैं शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको ये आंग सुकी की बेटी है ठीक है ना तो इन्होंने चूंकि उनके फादर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो इनको लीडरशिप जो है वो आम जनता की तरफ से स्वीकार भी की गई इनकी लीडरशिप और इन्होंने एक बेहतरीन लीडरशिप दी भी और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी सेना को सत्ता हटा के लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इनको लंबे समय तक सेना ने गिरफ्तार रखा विश्व के अंदर की प्रतिक्रिया भी हुई लेकिन फाइनली करीब 2010 के बाद से सेना ने थोड़ा संशोधन वगैरह कर दिया संविधान के अंदर और लोकतंत्र को स्वीकृति देना स्वीकार कर लिया हालांकि वो ऐसे स्वीकृति है जिसमें मतलब सेना क्या करती है सेना ने जो इनकी विधायिका उसमें 25 परसेंट सीट अपने लिए आरक्षित कर रखी है है ना वो अपने लिए रख रखी है और जितने भी प्रमुख मंत्री पद है जैसे रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय ये सारे सेना के अधिकारियों को देने पड़ते हैं मतलब ये संविधान में लिख दिया गई लोगों तो देखा जाए तो कंट्रोलिंग मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सेना के हाथ में ही रहती है लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक मैनर में चुनाव वगैरह भी संपन्न होते हैं पचहत्तर परसेंट सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए और 2015 में चुनाव कराए गए थे और उस समय आंग सांग सुखी की पार्टी ने चुनाव जीता भी था और सत्ता में आई भी और फिर 2020 में दोबारा चुनाव हुए 2020 में जब दोबारा चुनाव हुए तो फिर से आंग सांग सूखी की पार्टी जीत गई अब ये जब चुनाव में जीत गई तो सेना को ये लगने लगा कि अगर डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होती जाएंगी तो ये सेना के प्रभाव को खत्म करने का मामला बन सकती है और जनता भविष्य में संविधान संशोधन करवा सकती है और इस संविधान को बदल के सेना की स्थिति कमजोर कर सकती और एक जान जाओ, जिसको सत्ता का स्वाद लगा हुआ है ना वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। सेना लंबे समय तक वहां सत्ता में रही है तो ठीक है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और विश्व चाहता है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए लेकिन सेना के लिए बड़ा मुश्किल है कि अपने कमान छोड़ दे और एक डेमोक्रेटिक सरकार के कहने पर काम करने लगे है ना आप समझिए ये सब समस्या पाकिस्तान के अंदर भी है और ऐसे यहाँ पे भी है पाकिस्तान में भी सेना भाई प्रभाव में हमेशा रही है सत्ता को नचाती रही है और आज अगर कोई उम्मीद कर ले कि सेना की स्थिति कमजोर हो जाए और सत्ता मजबूत हो जाए तो ऐसे किसी आदमी को वो रहने नहीं देंगे है ना जो भी ऐसा कोशिश करेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा और इसके उद्गाम भी है आपके पास एनी anyway, यही हाल म्यांमार में म्यांमार के अंदर भी क्या हुआ है कि सेना सत्ता छोड़ने के लिए तैयार है नहीं तो सेना ने तख्ता पलट कर दिया और आंग सूकी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जेल में डाल दिया और अभी तो उनके ऊपर कई मामलों में केस चल रहे जैसे एक तो चुनाव में धांधली करने का कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने का और एक दो केसेस में तो उनको सजा दे भी दी गई है छह साल की एक केस में सजा मिल चुकी है अभी यानी उनकी पूरी कोशिश है कि उनको जेल में ही रखते रहना है और जेल के अंदर ही वो मर जाए इसका इंतजाम कर दे पहले उन्होंने कहा था कि हम फरवरी 2022 तक इसको रह रख रहे हैं अपनी सैन्य सत्ता को फिर फरवरी में उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी सत्ता अगस्त 2023 तक रहेगी यानी सेना अपना कंट्रोल फिलहाल अगस्त 2023 तक रखेगी आगे के जो मूल्यांकन है वो बाद में होगा तो अभी वर्तमान में पिछले दो सालों से सत्ता किसके हाथ में चल रही है सत्ता मतलब दूसरा साल खत्म होने वाला है सत्ता किसके हाथ में चल रही है सेना के पास चलेगी ठीक लोकतंत्र खत्म करके ये सत्ता आई है इसलिए विश्व में इसका विरोध भी है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने आसियान देशों ने इस सत्ता का बहिष्कार किया है और इनके साथ किसी भी संपर्क को मना कर रखा है यानी प्रतिबंध भी लगा रखे ठीक है अब भारत के सामने एक दबाव ये है कि भारत को म्यांमार की सैन्य की सत्ता के साथ वार्ता न करने का दबाव है अमेरिकी उसके सहयोगी देशों का भी और अन्य देशों का कारण यह है कि भारत लोकतंत्र वाला देश है लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला देश है और ऐसा देश ऐसे किसी भी सत्ता से कैसे बातचीत कर सकता है जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी है सेना ने क्या किया है म्यांमार में मार? लोकतंत्र की हत्या कर दी और सत्ता अपने हाथ में ले ली तो ऐसी सत्ता जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी हो ऐसी सत्ता के साथ भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कैसे बात कर सकता है और भारत की समस्या यह है कि हमारा म्यांमार को लेकर मामला बड़ा गंभीर है इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय हितों को देखते हुए सैन्य सत्ता से संबंध बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण दिखाई देता है तो पहले हमारे प्रश्न का हिस्सा पहला है कि हितों को देखते हुए म्यांमार की सैन्य सत्ता से संबंध बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है ठीक ना तो अब आप पहले तो ये लिखेंगे कि क्या हुआ है हुआ यह है कि फरवरी 2021 से सत्ता सेना ने अपने हाथ में ले ली लोकतंत्र को समाप्त कर दिया तो भूमिका में आप इस बात को मेंशन करेंगे कि म्यांमार में, में सैन्य तकता पलट हुआ है तख्ता पलट और लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करके सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली ठीक समाप्त कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया ठीक है ठीक है अपने हाथ में ले ली भूमिका में ही आपको आगे लिखना होगा कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम हुआ है नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं ठीक है ना लिखना आपको इसी पैराग्राफ में भूमिका में है लिखना है परिणाम स्वरूप क्या हुआ परिणाम स्वरूप व... अमेरिका एवं अन्य देशों ने इस पर अधिकांश देशों ने अमेरिका प्लस अधिकांश देशों ने अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए और भारत पर भी दबाव क्या है कि सैन्य सत्ता के साथ संबंध न रखे तो भारत के ऊपर भी दबाव क्या है कि सैन्य सत्ता से संबंध न रखे ठीक परंतु भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए सैन्य सत्ता से संबंध भारत के लिए या वार्ता भारत के लिए संबंध नहीं सैन्य सत्ता से वार्ता भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो आपकी अंतिम लाइन क्या होगी कि भारतीय हितों को देखते हुए सैन्य सत्ता से भारता भारत के लिए महत्वपूर्ण है आवश्यक है ठीक अब पैराग्राफ चेंज करेंगे अब आपको लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि आखिर वो भारतीय हित है क्या जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी वार्ता जारी रखनी चाहिए ठीक है ना तो आपके पहले पैराग्राफ में कि भारतीय हित क्या क्या है इसके बारे में होगा तो लिखेगा कि म्यांमार भारतीय निम्न भारतीय हितों के लिए महत्वपूर्ण दिखाई देता है अब आप उन बातों को लिखेंगे जिनके कारण आपको म्यांमार महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है और वार्ता आवश्यक दिखाई दे रही है तो वो कौन कौन सी चीजें हैं तो नंबर वन है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इस्ट स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं किससे मिलती हैं उनकी सीमाएं मिलती हैं है, मैमार के साथ ठीक ना तो भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं खासतौर पर नागालैंड हो गया मिजोरम हो गया मणिपुर हो गया इनकी सीमाएं किसके साथ मिले और अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम इन चार राज्यों की सीमाएं किससे मिलती हैं वो मिलती हैं म्यांमार के साथ और म्यांमार की सीमाएं जो यह है जंगली इलाका है और इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 किलोमीटर भारत की सीमाओं में और 16 किलोमीटर म्यांमार की सीमाओं में बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी गई है क्योंकि तो ये जनजातीय इलाका है और जनजातीय इलाके में एक दूसरे के साथ संबंध बड़े घनिष्ठ होते हैं और इसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने आपस में समझौता किया था कि एक दूसरे की सीमाओं में सोलह किलोमीटर का जो एरिया है उसे फ्री मूवमेंट रिजाइम बोलेंगे मुक्त आवागमन क्षेत्र और यहाँ पर वीजा के बिना भी आ जा सकते हैं प्रतिदिन रोज आ जा सकते हैं इवन अगर कोई रुकना चाहे तो चौदह दिन तक रुक भी सकता है लेकिन वो सोलह किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए ठीक है अब इसलिए यहाँ पर जो फेंसिंग है वो नहीं है बाढ़ नहीं लगाई गई ठीक अब बाढ़ नहीं लगी है तो इसका एक नुकसान भी है और नुकसान क्या है नुकसान ये है कि यहां पे कई अलगाववादी आतंकी संगठन है नागालैंड में मिजोरम में ठीक ना तो यहाँ पर क्या है आतंकी संगठन है और ये जो आतंकी संगठन है ये दे... भारत के भीतर क्या करते हैं बम विस्फोट वगैरह करते हैं हत्याएं करते हैं और फिर यहां से भाग कर कहां चले जाते हैं म्यांमार में घुस जाते हैं तो उन्हें ट्रेस करना पकड़ना बड़ा मुश्किल है अच्छा हमारी सेना ऐसे तो म्यांमार में घुस नहीं जाएंगे अनुमति सिर्फ आम लोगों के लिए है कि बिना वीजा के चले जाओ सेना के लिए नहीं कि सेना जामन करे सोलह तो किलोमीटर घुस जाए सेना को अगर जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा म्यांमार की सत्ता से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर ये अनुमति लेनी तो सत्ता के साथ वार्ता करना अनिवार्य है तो भारत के अंदर जो अलगाववादी आतंकी हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए म्यांमार की सत्ता से वार्ता करना अनिवार्य है और हमने यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं जैसे पाकिस्तान में किए थे अब पाकिस्तान वाला इसलिए न्यूज में था कि पाकिस्तान के साथ हम लोग का इमोशनल वाला मामला जुड़ जाता है और इसीलिए छाया हुआ था और दूसरा पाकिस्तान हमें सहयोग करेगा भी नहीं कभी क्योंकि खुद ही आतंकवादी कैंप लगवाता है तो कह लिए सहयोग करेगा तो वहां हमारी कार्रवाई थोड़ी कठिन क्योंकि भाई देश सहयोग नहीं कर रहा है म्यांमार के साथ एक अच्छी बात यह थी कि म्यांमार की सेनाएं हमारा सहयोग कर रही थी वहां की सरकार सहयोग कर रही थी तो हमने दो दो सर्जिकल स्ट्राइक वहां की थी और उसमें हमें पूरा सहयोग म्यांमार का मिला था अब अगर हम अपने इन क्षेत्रों के आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें म्यांमार के सत्ता का सपोर्ट जरूरी है और इसलिए वहां की सैन्य औचब सत्ता का सपोर्ट मतलब सेना का सपोर्ट चाहिए भाई सत्ता में लोकतांत्रिक सरकार हो या खुद सेना बैठी हो बिना सेना के सहयोग के मिशन वगैरह पूरे नहीं हो सकते सेना बताएगी ट्रेस करेगी इन्फॉर्म करेगी पीछे से बैकअप देगी तब जाकर हम अभियान चला पाएंगे सफलतापूर्वक है ना जैसे आप पा, पाकिस्तान वाले में हमको पता ही नहीं कितने आतंकवादी मारे गए कितने नहीं मारे गए कई लोग तो वीडियो मांगने लगे उनको मतलब तरह तरह के लोग भी हैं यहाँ पे खैर है एक तो हमारे सेना के लोग वीरता करके आए अपनी जान जोखिम में डाल के आए फिर यहाँ लोगों को जो है सारी चीजें उसमें भी खैर वो सब छोड़िए तो कुल लेकर यहां हमें क्या मिलता है यहां सहयोग मिलता है सेना से तो क्योंकि यहां हमारे लिए इस मिशन में सहयोग मिलता रहा है तो हम चाहते हैं कि यह सहयोग आगे भी जारी रहे और उसके लिए जो सैन्य है उससे वार्ता क्या है वो अनिवार्य दिखाई देती है ठीक तो पहला जो रीजन यहाँ आप देंगे वो क्या देंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं यहां जो अलगाववाद आतंकवाद है उससे निपटने के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सैन्य सहयोग जरूरी है ठीक तो एक तो आपका रीजन क्या हो गया ठीक है दूसरा क्या है दूसरा जो हमारे लिए महत्व दिखाई देता है वो फिर से नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में है कि नॉर्थ ईस्ट को जो हमारा डेवलपमेंट है देखिए ऐसा माना जाता है कि किसी क्षेत्र में अगर अलगाववाद चल रहा है आतंकवाद चल रहा है नेक्सलिज्म जैसी समस्या दिखाई दे रही है या विश्व में ऐसा कहीं भी हो रहा है जहां पर सिविल वॉर किसी कोई गृहयुद्ध जैसी स्थिति कोई सशस्त्र विद्रोह चल रहा है उसमें एक बड़ा रीजन माना जाता है कि डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया बहुत वहां पर क्या होगी या तो धीमी होगी या लगभग शून्य होगी और इस कारण वहां के लोग अपने आप को क्या मानते हैं कि वो देश के अन्य हिस्सों से अलग स्थिति में और इसलिए वो विरोध करते हैं उनको अपनी स्थिति को मानते हैं कि उनके साथ उपेक्षा की जा रही है और इसलिए वो विरोध करने के लिए शस्त्र भी उठा लेते हैं सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट के अलगाववाद में भी एक रीजन माना जाता है कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत धीमी गति से एक तो दुर्गम पहाड़ियां हैं दूसरा कनेक्टिविटी इशू है भाई सिलीगुड़ी गलियारे से ही हम जा सकते हैं वो कनेक्टिविटी इशू है हमारे लिए चैलेंज है तो इन सब को देखते हुए माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के उन्होंने ही अलगाववाद की समस्या को बढ़ावा दिया है तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करने के लिए विकास करने के लिए हम कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं संपर्क स्थापित कर रहे हैं आसियान देशों से संपर्क मतलब रोल सॉरी रोड और रेल मार्ग ठीक ना सड़क और रेल मार्ग ताकि इनको क्या हो सके व्यापारिक मार्ग मिल सके जैसा बांग्लादेश के मोगला और चिटगांव को हम सोच रहे हैं वैसे ही यहां पर भी हमारा प्रयास है और इसके लिए हमने जो अपना प्रोजेक्ट है आई हाईवे के नाम से इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे ये एक प्रोजेक्ट बनाया भी है ताकि थाईलैंड तक रास्ता जो हमें मिल जाए सड़क मार्ग मिल जाए और ये नॉर्थ ईस्ट के जो सारा क्षेत्र है उसको क्या कर दे वो जोड़ दे किससे थाईलैंड तक और इससे हम आगे लाओस तक बढ़ाएंगे वियतनाम लाओस इन सारे क्षेत्र तक क्या करेंगे रोड को लेकर जाएंगे बत्तीस सौ किलोमीटर की रोड बनाने का हमारा प्लान है और इस प्लान के जरिए हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपना व्यापार अपनी वस्तु उत्पादन ये क्या कर सके आसियान के देशों तक पहुंचा सके ठीक ना तो हम अगर ये चाहते हैं तो उसमें म्यांमार की भूमिका क्या है बहुत महत्वपूर्ण है तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इसलिए हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना चाहते हैं फिर हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रहे हैं अभी हमारे पास एक ही रास्ता सिलीगुड़ी वाला जो अभी बांग्लादेश वाले में हम लोगों ने देखा था है कि वो दुर्गम पहाड़ी वाला क्षेत्र लेकिन अब हम चाहते हैं कि कुछ वैकल्पिक रास्ते और मिल सके जिससे हमारी पहुंच सुनिश्चित हो जाए और वो भी हमें मार जो है म्यांमार से प्राप्त हो रहा है और वो कैसे प्राप्त हो रहा है कालादान प्रोजेक्ट के माध्यम से कालादान प्रोजेक्ट ठीक कालादान प्रोजेक्ट क्या है कालादान प्रोजेक्ट भारत के हिस्सों को जोड़ने की बात की जा रही है भारत का जो हल्दिया पोर्ट है उसको हम जोड़ेंगे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है और हल्दिया को हम जोड़ रहे हैं म्यांमार के सित्वे जो पोर्ट है उसके साथ सित्वे पोर्ट हम ही लोग डेवलप कर रहे हैं और फिर इसे हम कहां तक जोड़ देंगे आइजौल के साथ जोड़ देंगे तो आइजोल सितवे और बार का जो हल्दिया पोर्ट है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे तो एक रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते से हम कहा पहुंच सकते हैं जिस रास्ते से हम पहुंच सकते हैं सीधे नॉर्थ ईस्ट रीजन पे तो एक रास्ता कोलकाता ढाका अगरतला वाला बन जाएगा एक रास्ता बन जाएगा आपका हल्दिया से सितवे और सितवे से आइजॉट और एक तीसरा तो हम देख ही रहे हैं कि जो अभी यूज किया जा रहा है वो ये वाला रास्ता ठीक ना सिलीगुड़ी वाला जो कि टफ मार्ग है उसमें और भी चैलेंजेस है या इ, अब उस पर अभी डिटेल में जाएंगे तो आ, एक अलग डायरेक्शन चला जाएगा यहाँ पर चीन की उपस्थिति भी है और चीन जो है वो कभी भी इस गलियारे को इसको चिकन नेक बोलते हैं इसे क्या कर सकता है कट कर सकता है और अगर चीन ने ऐसा कर दिया तो हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ खत्म हो जाएगी तो हमें विकल्प चाहिए ही चाहिए तो विकल्प एक मिल रहा है हमें कहाँ से बांग्लादेश से और दूसरा यहाँ से प्राप्त कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का हमें एक वैकल्पिक मार्ग किससे मिल रहा है कालादान प्रोजेक्ट से मिल रहा है तो हमारे लिए म्यांमार हमारे हित क्या है नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को देखते हुए हमारा हित जुड़ा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इन सब के लिए हमारी इंपॉर्टेंस बनी हुई है म्यांमार की हमारे लिए इसके अलावा देखिए अगर हमने यहाँ की सैन्य सत्ता से बातचीत नहीं शुरू की तो चीन को मौका मिल जाएगा कि चीन म्यांमार संबंध क्या कर ले बेहतर करो चीन ऐसा कर भी रहा है चीन म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है तो चीन म्यांमार संबंध बेहतर हो जाएंगे अगर हमने सेना से वार्ता नहीं की और अगर चीन म्यांमार में अपनी उपस्थिति बढ़ा लेगा तो यह हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती वाला मामला हो जाएगा तब तो सीधे हमारे सीमाओं के आसपास चीन की उपस्थिति क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी तो चीन मैमार संबंध बढ़े सैन्य उपस्थिति बढ़ सकती है चीन की और यह हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर देगा खतरा उत्पन्न कर देगा ठीक तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम सेना से वार्ता करें तो क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे हित जुड़े हुए हैं और इन हितों को देखते हुए भारत के लिए जरूरी है कि वो म्यांमार की सैन्य सत्ता से वार्ता करे तो पहले खंड से में जो आप लिखेंगे वो ये सारी बातें लिखेंगे अब इसी प्रश्न का दूसरा खंड है और वो खंड क्या है दूसरा खंड क्या है दूसरा खंड है कि भारत की म्यांमार के प्रति वर्तमान नीति की समीक्षा कीजिए तब आपको वो नीति पता होनी चाहिए तो आप ने यहां तक लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन हितों को देखते हुए कि हम सेना से वार्ता करें परंतु हमारे ऊपर दबाव है कि हमें सेना से संबंध नहीं बनाने चाहिए तो हमने एक वैकल्पिक नीति आरंभ की है ठीक ना तो आप अपने उत्तर में जहां ये लिख रहे थे उस पैराग्राफ का अंत करेंगे पहले पैराग्राफ का बिंदु खत्म करेंगे अंत करेंगे कि भारत अपने हितों को देखते हुए एक नवीन नीति पर कार्य कर रहा है ठीक और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे और सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि हमारी नीति है क्या नवीन नीति क्या है तो हमारी नवीन नीति को नाम दिया जा रहा है ट्रैक टू ट्रैक डिप्लोमेसी या ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी ठीक ना क्या नाम दिया जा रहा है ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी ठीक ट्विन ट्रैक मतलब हम सेना से सीमित वार्ता कर रहे हैं और सीमित वार्ता का आधार क्या है म्यांमार के में जनता के हित और हमारे जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ठीक देखो जनता के हित का मतलब कि वहां की जनता को दवाइयां जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया है आ, दो हजार दिसंबर में हम यहाँ गए थे हमारे सिंगलू साहब जो, जो कि विदेश सचिव हैं और उन्होंने 10 लाख डोजेज उपलब्ध कराई थी जो आपकी कोरोना के वैक्सीन की और दस हजार टन यहां पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया था तो खाद्यान्न उपलब्धता वैक्सीन उपलब्धता सुनिश्चित करें तो क्या किया म्यांमार के जनता के हित देखे और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके तो म्यांमार में जनता के हितों पर काम कर रहे हैं और भारतीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने सेना से वार्ता आरंभ की है तो सीमित वार्ता कर रहे हैं ठीक इससे हमारा क्या है जो हमारे हित होंगे वो हम पूरे करने में सफल हो सकेंगे और दूसरा हमने क्या किया दूसरा वैश्विक मंचों पर जैसे आसियान के मंच पर अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि म्यांमार में क्या होना चाहिए लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए तो वैश्विक मंच पर हम क्या कर रहे हैं है? म्यांमार पर दबाव बना रहे हैं कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो तो म्यांमार सत्ता पर लोकतंत्र स्थापना के लिए दबाव बना लोकतंत्र स्थापना के लिए दबाव और इसी को नाम क्या दिया गया ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी दो तरफा डिप्लोमेसी है एक तरफ हम सीमित वार्ता कर रहे हैं ताकि अपने हित पूरे कर सकें और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं है? म्यांमार की जो सत्ता है उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य करे और इस तरह से भारत अपने संबंधों को म्यांमार के साथ अपने हितों को देखते हुए जारी रखने का प्रयास कर रहा है ठीक तो ये म्यांमार हो गया नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ताइवान मुद्दे और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र आई टी यू इस पर बात करेंगे चर्चा करेंगे प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें इस पर बात करेंगे ठीक है फिर मिलते हैं धन्यवाद